देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर हो गया है। हाँ मैम। जी। अच्छा तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक किया था ये देखो, यहाँ से देख लेते हैं। हम लोगों ने 15 तक किया था। ये देखो क्वेश्चन नंबर 15, इलस्ट्रेशन 15 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। 16 वाला मैंने बोला था, तुम लोग चाहो तो करके देख सकते हो। बिल्कुल जैसा हम लोगों ने पढ़ा है उसी के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है? फिर भी एक बार हम बता देते हैं कि ये 16 वाला कैसे सॉल्व होगा। देखो, ए होल्ड्स 2000 शेयर्स ऑफ टेन ईच ऑन विच ही पेड टू एज एप्लीकेशन मनी। तो ए एक शेयर होल्डर है, ठीक है? सिक्सटीन, गुड इवनिंग नताशा, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मोशू। गुड इवनिंग मैम। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 16 है। तो देखो, ए एक शेयर होल्डर है, ठीक है? ए, ये मैंने ए बना दिया। इनके पास कितना सारा शेयर्स है? देखो, इनके पास शेयर्स है 2000, ठीक है? 2000 शेयर्स है, ठीक है? अच्छा, ये नंबर ऑफ शेयर्स है इतने सारे। अब देखो इन्होंने क्या दिया है, टू एज एप्लीकेशन मनी। इन्होंने एप्लीकेशन का 2 रुपीज जो है वो दिया है। आगे क्या बोल रहा है, बी होल्ड्स 4000 शेयर्स ऑफ टेन ईच, 10 रुपए वाला। इनके पास भी 10 रुपए वाला है। शेयर का प्राइस कितना है, एट द रेट ऑफ 10 वाला शेयर, ठीक है? और जो मिस्टर बी है उनके पास भी सेम वही 10 रुपए वाला ही शेयर है, एट द रेट ऑफ 10 वाला, लेकिन 2000 के जगह कितना सारा है, 4000, 4000 शेयर्स है, ठीक है? अब इन्होंने क्या क्या दिया है देखो, ही पेड टू एज एप्लीकेशन एंड थ्री पर शेयर्स एज अलॉटमेंट, ठीक है? तो थ्री अलॉटमेंट, एप्लीकेशन के लिए 2 और अलॉटमेंट के लिए 3, ये दोनों पैसा इन्होंने दिया, ठीक है? अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है एंड 3 पर शेयर अलॉटमेंट मनी। सी होल्ड्स 3000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। सी जो है 3000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच वाला इनके पास भी है। इन्होंने क्या क्या दिया है देखो, इन्होंने पेमेंट किया है एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 3। तो एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 3, ठीक है? फर्स्ट कॉल पे 3, ये सब इनका पेड है। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, दे ऑल फेल टू पे द एरियर्स ऑन द सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अच्छा, सभी ने सेकेंड और फाइनल कॉल जो है वो नहीं दिया है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट कॉल के बाद और 2 कॉल था, सेकेंड एंड फाइनल। अच्छा, ये एक साथ है, सेकेंड एंड फाइनल, ये किसी ने भी नहीं दिया है, ऑल फेल, ठीक है? तो यहाँ पर इसके बाद कौन सा कॉल आने वाला था, फर्स्ट, और इसके बाद आने वाला था सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है? कॉल का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज का इनका भी होगा। अच्छा, अगर पूरा शेयर 10 रुपये का है तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने का होगा, ये सोचो। 3, 3, 6, 7, 8, 9, 2, ठीक है? तो 2 रुपीज इन्होंने नहीं दिया है। और ये बताया सॉरी, ये बताया गया है कि सेकेंड फाइनल कॉल किसी ने भी नहीं दिया, दे ऑल आर फेल टू पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है? तो इनका भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट इनका भी लिख देते हैं, 3 होगा फर्स्ट कॉल, ये थोड़ी ना चेंजेस होगा, ये तो सबका जैसा वैसे ही रहेगा। एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल इनका जो है वो है 2 रुपीज का, ये फेल है, ठीक है? अच्छा, अब बोल रहा है द शेयर्स आर रीइशूड सब्सिक्वेंटली फॉर 12 पर शेयर। से शेयर्स जो है रीइशू किए गए 10 रुपए वाले शेयर 12 रुपए पे। बोलो, रीइशू करने पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? 10 का शेयर था, 12 में हम लोगों ने रीइशू कर दिया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट कितना? 2 2 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, ठीक है? जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द फॉरफीचर एंड रीइशू। फॉरफीचर और रीइशू का ट्रांजेक्शन हमें करके दिखाने के लिए बोल रहा है, ठीक है? अच्छा, अब देखो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन दिया है,
तो बताओ इन्होंने क्या क्या नहीं दिया, कुछ बताया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन एक चीज समझो, अगर फर्स्ट और सेकंड एंड फाइनल, हाँ तो ये आगे का बाकी कुछ भी नहीं दिया होगा, ठीक है, यहाँ पर हमें बोला नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं दिया होगा ना, क्योंकि ये तो बताया है कि क्या दिया है, मतलब बाकी नहीं दिया है, टू एज एप्लीकेशन मनी दिया है, इन्होंने सिर्फ यही वाला दिया है, बाकी कॉल करता गया कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगा, नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल तो किसी ने भी नहीं दिया, ना तो ए ने दिया, ना तो बी ने, ना तो सी ने, यहाँ पर भी सिमिलरली देखो, इन्होंने ये दो पेमेंट किया, फिर ये दो पेमेंट नहीं किया, और इन्होंने लास्ट वाला पेमेंट नहीं किया, ठीक है। अच्छा, अब हमें बोला है कि फॉरफीचर रिगार्डिंग हमें एंट्रीज जो है वो करना है, तो पहले फॉरफीचर का एंट्री क्या होगा बताओ, फॉरफीचर मतलब शेयर को कैंसिल करना, कैंसिल करने में हमें ये देखना पड़ता है कि कितना मिलने वाला था, कितना मिला और कितना नहीं मिला, तो पहले हम लोग पूरे शेयर कैपिटल को हटा देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो कितना सारा शेयर, हाँ कितना सारा शेयर फॉरफिट हो रहा है, सभी का शेयर फॉरफिट हो रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना, 2000, इसके पास है 4000, 9000, 9000 इनटू कितना हो जाएगा 10, ठीक है, यहाँ पर हाँ यहाँ पर कौन सा वैल्यू आता है, कॉल्ड अप, अगर पूरा कॉल्ड अप है तो पूरा ही दिखाना पड़ेगा, तो कितना हो गया 90,000, फिर हम लोग क्या लिखते हैं और क्या देखना पड़ता है, कितना पैसा मिला और कितना नहीं मिला, ठीक है, ये देखना पड़ता है, यहाँ तो प्रीमियम का कोई बात नहीं था, नहीं यहाँ पर प्रीमियम का कोई बात स्टार्टिंग में नहीं था, बाद में प्रीमियम में रीइश्यू हुआ है, ठीक है, अभी तो हम लोग फॉरफीचर कर रहे हैं, तो जो पैसा मिला उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टू इक्विटी शेयर, क्या बोलेंगे, जो मिला उसको क्या बोलते हैं, टू इक्विटी शेयर, कहाँ भेजते हैं, फॉर फीचर, ठीक है, टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर, और जो नहीं मिला उसका नाम लिख सकते हैं या कॉल सिनेरियर, तो यहाँ से देखो ए से चेक करते हैं, ए ने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट मतलब कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला होगा, तो टू क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, फर्स्ट कॉल देखो, फर्स्ट कॉल तो तीन दो लोगों ने नहीं दिया है, एक तो ए है और दूसरा बी है, तो यहाँ पर भी उसका एंट्री होगा फर्स्ट कॉल 18,000, हाँ टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और आ जाएगा टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है, अब हमें देखना है कि कितना कितना पैसा यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं मिला, तो अलॉटमेंट कितने लोगों ने नहीं दिया है, ए बी सी में से अलॉटमेंट किसने नहीं दिया है, ए, सिर्फ और सिर्फ ए ने नहीं दिया है, तो ए का कितना शेयर था, कितना अलॉटमेंट नहीं मिला होगा, ए का कितना शेयर था, और एक एक शेयर पे अलॉटमेंट का कितना मिलने वाला था, 3,000, तो कितना नहीं मिला, 6,000, 2000 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6,000। फर्स्ट कॉल का देखो, फर्स्ट कॉल का पैसा किसने नहीं दिया, ए और बी, तो टोटल कितने शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं मिला, 6,000, ठीक है, और एक एक फर्स्ट कॉल का वैल्यू कितना था, तो टोटल उतना नहीं मिला होगा, 18,000। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा नहीं मिला, सभी सभी से नहीं मिला, तो 2, 4 और 3, 9,000 पे नहीं मिला, सभी ने नहीं दिया था ना 9,000, और ये कितना करके था, 2 रुपया, ये हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला कि 2 रुपया करके था, तो कितना होगा देखो, 18,000, और कितना पैसा मिला वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे ए से मिला एप्लीकेशन का पैसा, ए का बताओ कितना मिला, यहाँ पर हम लिख रहे हैं जो रिसीव हुआ, बोलो 2000 × 2 कितना मिला ए से, 4,000, ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये गोला कर दिया मैंने, बी से क्या मिला, 4000 × 2 + 4000 × 3 एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, एप्लीकेशन का कितना मिला 8,000 और अलॉटमेंट का कितना मिला 12,000, ठीक है, 20,000 टोटल यहाँ पर, 20,000 यहाँ पर देखो, जो सी है उनसे क्या क्या मिला, उनसे मिला 3000 × ये सब ऐड करके भी कर सकते हैं ना, 3000 × 3, 3, 3, 6, 7, 8, 24,000, हाँ डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते, 24,000, तो टोटल कितना मिला, 2420, मतलब 48,000, अब चेक करके देखो टैली हो रहा है कि नहीं, यस मैम हो रहा है, हो रहा है, ठीक है, अच्छा तो ये हो गया हमारा कौन सा एंट्री, ये हो गया हमारा फॉर फ्यूचर का एंट्री, मतलब हम लोगों ने शेयर को कैंसिल कर दिया, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रीइशू, क्योंकि क्वेश्चन में रीइशू बोल रखा है, तो हम लोग रीइशू भी करेंगे,
तो क्या सारा शेयर रीइशू हुआ है? द शेयर्स वेर रीइशूड सब्सिक्वेंटली, हाँ पूरा का पूरा शेयर ही रीइशू कर दिया गया है, ठीक है। तो रीइशू का एंट्री क्या होगा, देखो रीइशू करने से क्या होगा, सोचो एंट्री में बताओ क्या लिखे, रीइशू करने से क्या होगा, फिर से बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिलेगा कैपिटल, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट, फिर से पैसा मिलेगा। कितना सारा शेयर रीइशू हो रहा है, 9000, जितना फॉरफिट हुआ था सारा ही, तो 9000 रीइशू हो रहा है। कितना करके रीइशू हो रहा है, 12 रुपए करके, तो पैसा कितना आएगा इनटू 12 कितना होगा, 1,08,000, 1,08,000। अच्छा और कैपिटल में कितना जाता है, हमेशा कौन सा वैल्यू जाता है, फेस वैल्यू, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना करके होगा इसका एंट्री, हमेशा 10 पे होगा, 9000 इनटू 10 90,000। तो जो एक्स्ट्रा लिया, जब हम लोग अपना शेयर ज्यादा फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तीन तरह का शेयर इशू कर सकते हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। हाँ प्रीमियम में बोला जाएगा, तो प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में जाता है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। एक्स्ट्रा जो है 18,000, ठीक है। तो देखो टैली हो गया। अच्छा अब हमें क्या करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि रीइशू पे कोई लॉस है, तो इस क्वेश्चन में बताओ क्या रीइशू पे कोई लॉस था, 10 का शेयर 12 में बिका, क्या कोई लॉस है? नो मैम, नहीं है लॉस, नहीं है लॉस, नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर लॉस होता है तो लॉस को राइट ऑफ करने के बाद जितना अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो हम लोग उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ये देखो लास्ट दिन हम लोगों ने देखा था ना कि फॉरफीचर पे जो मिल रहा है, मतलब जो पैसा कंपनी रिटर्न नहीं करती है रीइशू होने पे, जैसे कंपनी ये पैसा रिटर्न नहीं करने वाली 48,000, मतलब ए का 4,000 नहीं रिटर्न करेगी, बी का 20,000 नहीं रिटर्न करेगी, और सी का जो 24,000 है नहीं रिटर्न करेगी। तो ऐसा होता है कि कंपनी रिटर्न नहीं करती तो उसके पास रह गया, फिर से शेयर को इशू करके पैसा कमाती है। अगर लॉस पे करती है तो लॉस को मैं एडजस्ट करने के बाद सरप्लस देखना पड़ता है, तो यहां पर तो लॉस हुआ ही नहीं, पूरा का पूरा ही सरप्लस है। तो पूरा का पूरा सरप्लस जो है वो कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व क्योंकि एक लायबिलिटी होता है किसी भी तरह का रिजर्व, तो यहां पर लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व, और यहां पर हो जाएगा फॉरफीचर से अमाउंट लेना पड़ेगा। तो फॉरफीचर में कितना है, 48,000, इसमें कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा, पूरा का पूरा पैसा ही रह जाएगा। फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब कंपनी जो 48,000 वापस नहीं देने वाली है, इसका कहीं पर भी हम लोगों ने यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे इशू पे कोई रीइशू पे कोई लॉस नहीं था, ऊपर से एक्स्ट्रा पैसा भी मिला जो कि प्रीमियम के हिसाब से हम लोगों ने लिया, तो उसको प्रीमियम में डाल दिया। मतलब सीधा सा बात है, कैपिटल 10 रुपया मिलने वाला था, 10 रुपया ही मिल गया हमें, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जो पैसा एक्स्ट्रा मिल गया, मतलब इन लोगों को जो बेचा था शेयर, कंपनी ने 48,000 रिटर्न नहीं किया, ऊपर से वही 9,000 शेयर पे फिर से ये पैसा कमा लिया, 90,000 एज ए कैपिटल, ये देखो फिर से ये पैसा कमा लिया। तो एक ही शेयर पे 90,000 प्लस 48,000 कमाए, जबकि सिर्फ 98,000 ही कमाना था, तो ये 48,000 एक्स्ट्रा हो गया। अगर ये रीइशू करते हुए लॉस होता, मान लो ये अगर कंपनी 8 रुपए में रीइशू करती तो लॉस कितना होता, 2 रुपए का, तो वो 2 रुपए यहां से एडजस्ट करना पड़ता, ठीक है, पर शेयर के हिसाब से। तो यहां पर ये उल्टा था पॉइंट, ठीक है, मतलब अगर प्रॉफिट, मतलब अगर एक्स्ट्रा में रीइशू कर रही है तो इसमें तो कोई लॉस हुआ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, बस इतना सा ही हमें ट्रांजैक्शन करके दिखाना। अब हम लोग करेंगे ये वाला पॉइंट, देखो ये दूसरा पॉइंट है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। नॉर्मली कंपनी शेयर क्यों इशू करती है, क्योंकि उसको पैसे का जरूरत होता है, कैसा पैसा, जो वो कैपिटल के हिसाब से यूज कर सके। लेकिन कंपनी अगर ये शेयर इशू कर रही है ताकि वो कुछ पैसे की जगह कुछ और उसे मिल जाए, मान लो कंपनी को एक फर्नीचर खरीदना है, तो कंपनी को एक लैंड खरीदना है, कंपनी को बिल्डिंग खरीदना है, तो कंपनी क्या कर रही है, जिससे लैंड बिल्डिंग खरीद रही है उसको पैसे देने की जगह उसको क्या दे रही है, शेयर। ये देखो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जनरली इश्यूज देयर शेयर्स फॉर कैश एंड यूज सच कैश टू बाय द वेरियस टाइप ऑफ एसेट। कंपनी पहले पैसा जुगाड़ कर लेती है, उसके बाद अगर उससे कुछ एसेट वगैरह खरीदना होता है, जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो करती है। Sometimes, however, a company may issue shares in a direct exchange for land, building or other asset. कंपनी को कभी एसेट, लैंड, बिल्डिंग का जरूरत हुआ और कंपनी नहीं चाहती है कि वो पैसा दे, तो कंपनी शेयर इशू कर सकती है। ऑब्वियसली जो बेच रहा है, मतलब जो बेच रहा है उसको भी एग्री होना पड़ेगा।
शेयर्स में ऑल्सो भी इश्यूड इन पेमेंट फॉर सर्विसेज रेंटेड बाय प्रोमोटर. प्रोमोटर प्रोमोटर मतलब जिन्होंने बिजनेस का आइडिया अपने दिमाग में लाया है, तो प्रोमोटर को भी उनके सर्विस प्रोवाइड करने के लिए शेयर जो है वो इशू किया जाता है. लॉयर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोमोटर्स, लॉयर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. अच्छा, लॉयर्स जो कंपनी को बिल्डअप करने में जो भी लॉयर ने हेल्प किया है, मतलब जो भी लीगल काम करने में तो एक लॉयर का जरूरत होता है, तो लॉयर ने जो हेल्प वगैरह किया है तो उनको भी कभी कभी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पैसे के जगह शेयर इशू कर देती है. दिस शेयर शुड बी सोन सेपरेटली अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल के अंडर में ऐसे शेयर्स को अलग से दिखाना पड़ता है कि भाई ये शेयर मैंने इशू किया है बट इससे मुझे पैसा नहीं मिला है. ठीक है, इससे मैंने क्या किया है, प्रोमोटर ने इतना काम किया, उनका ही आइडिया है. कंपनी भले ही सारे शेयर होल्डर का हो लेकिन आइडिया तो उन्होंने ही जनरेट किया था, तो उनको हम लोगों ने शेयर दिया है, तो ये शेयर से हमें पैसा नहीं मिला. हम लोग प्रोमोटर से पैसा नहीं लिया, हम लोगों ने लॉयर से पैसा नहीं लिया, या फिर हम लोगों ने कोई बिल्डिंग खरीदा पैसा देके नहीं, शेयर देके खरीदा, तो इसको अलग से हमें डिस्क्लोज मतलब दिखाना पड़ता है. विद इन स्पेसिफाइड टाइम ऑफ अलॉटमेंट द कंपनी मस्ट प्रोड्यूस बिफोर द रजिस्ट्रर ए रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ दोज शेयर्स हैव बीन अलॉटेड. तो एक स्पेसिफाइड टाइम के ऊपर, ठीक है, अलॉटमेंट करने के बाद एक स्पेसिफाइड टाइम होता है, उसके अंदर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी मस्ट प्रोड्यूस बिफोर द रजिस्ट्रर, जो मतलब कंपनी रजिस्टर करती है, रजिस्ट्रर ऑफ द कंपनी के पास क्या दिखाना पड़ेगा, एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ेगा. किस चीज का, सेल ऑफ सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ विच शेयर्स हैव बीन अलॉटेड. मतलब कंपनी ये बोलना चाह रही है कि लॉयर ने अपना सर्विस प्रोवाइड किया तो हम लोगों ने उसके जगह उसको क्या दिया, शेयर्स दिया, तो ये जो है ये कंपनी को रजिस्ट्रर पे मतलब डिस्क्लोज करके दिखाना पड़ेगा. अलॉटमेंट होने के बाद, शेयर अलॉट करने के बाद एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के अंदर कंपनी को एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज दिखाना पड़ेगा कि इन्होंने जो शेयर इशू किया है वो अदर देन कैश है. ये कंडीशन अगर होता है तो कंपनी को अलग से उसे दिखाना पड़ता है. शेयर अलॉटमेंट करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट पेपर में वो साइन वाइन करके उसे दिखाना पड़ता है. अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगा, तो नॉर्मल सा बात है, नॉर्मल शेयर इशू का एंट्री क्या होता है, नॉर्मल शेयर इशू करने से पैसा मिलता है. बैंक टू क्या होता है, बैंक टू अगर इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल. अभी हमें पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है, मान लो एसेट खरीद रहे, तो एसेट खरीदने से क्या एंट्री होता है, ऐसे ही बताओ, एसेट खरीदने का एंट्री क्या होता है, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, एसेट टू कैश, ठीक है. तो हम लोगों ने भी एसेट खरीदा तो एसेट डेबिट होगा कि नहीं होगा, अगर एसेट खरीदते हैं तो एसेट डेबिट होगा कि नहीं होगा, यस मैम, तो एसेट डेबिट हो गया, ठीक है, एसेट खरीद लिया, एसेट डेबिट हो गया. लेकिन अब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न तो होना चाहिए, मतलब ट्रांजैक्शन क्या, लेन देन होता है, एसेट मिल गया, अब क्या देना पड़ेगा, जिनसे खरीदे उनको कुछ देना पड़ेगा ना, चाहे पैसा दे दो, चाहे मतलब कैश में खरीदो, क्रेडिट में खरीदो, मतलब बाद में पैसा दे दो, बिल्स ड्रॉ करवा लो, कुछ तो उनको एश्योरेंस देना पड़ेगा. तो हम लोग अपने कंपनी का क्या कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं. शेयर इशू का एंट्री होता है बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अब पैसा तो नहीं आ रहा है, पैसे की जगह एसेट आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बताओ फिर. शेयर तो इशू किया है हम लोगों ने, भले ही पैसा नहीं आया, बदले में एसेट आया, तो पैसा आने से बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एसेट आने से एसेट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, करेक्ट, एसेट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. मेरा कैपिटल जनरेट हुआ तो कैपिटल जनरेट होने से तो क्रेडिट होगा ही, मेरा कैपिटल क्रिएट हुआ तो कैपिटल तो क्रेडिट होता है, कैपिटल क्रेडिट तो होगा ही होगा. अब इक्विटी शेयर इशू करके हुआ तो इक्विटी शेयर लिखो, प्रेफरेंस इशू करके हुआ तो प्रेफरेंस लिखो, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल. लेकिन पैसा नहीं आया, क्या आया, एसेट आया. एसेट खरीदे हैं एक्सचेंज ऑफ शेयर, इसीलिए एसेट डेबिट होगा, पैसा नहीं दिया तो टू कैश नहीं होगा, इधर पैसा नहीं आया तो बैंक डेबिट नहीं होगा, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, दैट इज एसेट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ये देखो, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहे हैं. एक्स कंपनी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड विथ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच. ऑथराइज मतलब कंपनी इससे ज्यादा कैपिटल मार्केट से शेयर के थ्रू नहीं निकाल सकती है. एक्स कंपनी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच. मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है बता सकते हो, ये तो 90,000 इक्विटी शेयर बताया है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल कितना होगा, 9 लाख होगा, ठीक है, टोटल 9 लाख रुपीस का वो शेयर मार्केट से, मतलब शेयर के थ्रू से कैपिटल जो है वो रेज कर सकती है.
द कंपनी परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम वाई कंपनी लिमिटेड फॉर 4 लाख. कंपनी ने, वाई कंपनी है एक, उनसे 4 लाख का एसेट खरीदा है, ठीक है, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है. पेबल इन फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ द कंपनी, और उसके जगह कंपनी ने उनको शेयर दे दिया है. द बैलेंस ऑफ द शेयर्स वेर इशू टू द पब्लिक, बाकी शेयर्स कंपनी ने पब्लिक को इशू कर दिया, जितना एसेट खरीदने के लिए दरकार था उतना दे दिया, बाकी शेयर जो है वो पब्लिक में इशू कर दिया. विच वेर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड फॉर, और पब्लिक ने सारा का सारा शेयर जो है वो सब्सक्राइब भी कर लिया और उसका पेमेंट भी कर दिया है, ठीक है. यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज एंड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट. जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करना है, तो देखो कैसे होगा. पहले एसेट खरीदने का एंट्री क्या होगा, एसेट क्या खरीदा है, लैंड एंड बिल्डिंग, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. और किन से खरीदा है बोलो, कितने का खरीदा है, 4 लाख का, ठीक है, 4 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है. किन से खरीदा है, क्रेडिटर का नाम क्या है, मतलब अगर हम लोग पहले ड्यू एंट्री करते हैं कंपनी, तो वाई कंपनी, ठीक है, वाई कंपनी से खरीदा है. अच्छा, अब वाई कंपनी को पेमेंट करना चाहते हैं बट पैसा नहीं, क्या, शेयर, तो वाई कंपनी को पेमेंट करो, तो वाई कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर को पेमेंट कर देते हैं तो क्रेडिटर कैंसिल हो जाएगा. और कितना, कितने का शेयर कैपिटल देना पड़ेगा, 4 लाख का सामान है तो 4 लाख का बराबर ही कैपिटल हमें उनको देना पड़ेगा, शेयर इशू करना पड़ेगा. यस मैम, टू इक्विटी शेयर कैपिटल. हाँ, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है. और बाकी जो शेयर बचा, बाकी जो शेयर बचा वो पब्लिक में इशू कर दिया. पब्लिक में इशू करने से क्या मिलेगा, शेयर इशू करने से, पब्लिक को शेयर इशू करने से क्या मिलेगा, एंट्री लिख लेते हैं, अमाउंट बताएंगे. कैश नहीं, बैंक लिखना पड़ेगा ना यहाँ पर, हमेशा कैश ही है लेकिन बैंक लिखना पड़ेगा. बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, पब्लिक को शेयर इशू करने से, अभी थोड़ी देर पहले ही तो समझा रहे थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, करेक्ट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल. यहाँ पर अमाउंट कितना लिखना पड़ेगा बताओ, अमाउंट कितना शेयर बचा, 5 लाख, 9 लाख का था और 4 लाख का हमने क्रेडिटर को दे दिया, 5 लाख. लेकिन एक्चुअली ये पर पे है, इसीलिए ऐसा आंसर आ जा रहा है कि 9 लाख हो रहा था और 4 लाख उन्होंने शेयर जो है एसेट खरीदने में लगा दिया तो बचा 5 लाख. लेकिन एक्चुअली कैलकुलेशन ऐसा नहीं होता है. कैलकुलेशन में अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो क्रेडिटर को हम लोगों ने इशू किया तो उनको कितना शेयर इशू किया, तो उसका फॉर्मूला ऐसा होता है, नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू जितने रुपए का एसेट है. गुड इवनिंग प्रिया. अच्छा देखो, गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. देखो जितने रुपए का एसेट है, बताओ कितने रुपए का एसेट खरीदा हम लोगों ने, वैल्यू ऑफ एसेट लिखेंगे ऊपर, ठीक है, 4 लाख. 4 लाख, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 लाख. अच्छा, और इस एसेट के बदले जो शेयर इशू किया उसका इशू प्राइस बताओ. इशू प्राइस कितने में इशू किया था शेयर, 10, ठीक है, तो 10, तो डिवाइड करने पे हमें ये मिल जाएगा कि कितना शेयर इशू करना पड़ा, कितना हो जाएगा ये डिवाइड करने से, 40,000. इसका मतलब समझो, इसका मतलब है कि मैंने 4 लाख का सामान खरीदा है, ठीक है, मेरा जो लैंड बिल्डिंग है वो 4 लाख का है, मैंने 4 लाख का चीज खरीद लिया, तो अब जो जिसको मुझे पेमेंट करना है उसको कुछ भी पेमेंट क्यों ना करे, वो 4 लाख के बराबर होना चाहिए, ठीक है. तो एक शेयर अगर 10 रुपए का है, ठीक है, 10 रुपए मतलब एक शेयर, ठीक है, मतलब अगर मैं, मुझे किसी को 10 रुपए देना है और मेरे कंपनी का एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है और वो अगर शेयर लेने में एग्रीड है तो हम उसे चाहे तो 10 रुपए की जगह एक शेयर दे सकते हैं. बताओ, इक्विवेलेंट बात समझ में आ रहा है, किसी को 10 रुपया मिलेगा, ठीक है, कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का है और वो इंसान एग्रीड है पैसे की जगह शेयर लेने के लिए, तो कंपनी उसे अगर एक शेयर दे देगी तो क्या वो 10 रुपए के बराबर हो जाएगा? यस मैम, होगा, ठीक है, 10 रुपए के बराबर होगा कि नहीं, आराम से होगा. तो किसी को 10 रुपए देने के लिए एक शेयर देना पड़ेगा, तो किसी को 1 रुपया देने के लिए 1/10 यूनिटरी मेथड. तो अगर किसी को 4 लाख रुपए देने हैं तो कितना शेयर देना पड़ेगा, 4 लाख डिवाइडेड बाय 10. देखो ये समझ में आया, ये कंसेप्ट है, ये फॉर्मूला है क्यों वैल्यू ऑफ एसेट बाय आईपी होता है. देखो समझ में आया,
ठीक है, तो ये 40,000, तो 40,000 शेयर अगर दे देंगे तो वो 4 लाख के बराबर होगा. क्यों? क्योंकि एक शेयर का दाम है 10 रुपया, तो 40,000 शेयर का दाम 4 लाख हो जाएगा. तो अब होगा कि अगर हम लोगों ने 90,000 में से 40,000 शेयर इशू कर दिए हैं, तो मुझे ये बताओ कि कितना शेयर पब्लिक को इशू कर सकते हैं. तब बचा हुआ शेयर 50,000 आ रहा है. ठीक है, 50,000 × 10. अब तुम लोग सोच रहे होगे तो ये तो ऐसे ही निकल जा रहा था, फिर ये करने का जरूरत क्या था. अभी दिखाते हैं क्वेश्चन क्यों जरूरत था. तो वैसे ये क्वेश्चन का एंट्री कंप्लीट हो गया. रुको, हम दिखाते हैं सेम क्वेश्चन, अभी दिखा देते तो तुम लोग समझ जाओगे. हाँ, ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू. जी लिमिटेड एक्वायर्स एसेट ओट 7,50,000 फ्रॉम एच लिमिटेड. जी लिमिटेड ने 7.5 लाख का एसेट खरीदा है एच लिमिटेड से बाय इशू ऑफ शेयर्स 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%. ठीक है, उसके बदले उन्होंने शेयर दे दिया. ठीक है, कितने का शेयर दिया? 100 रुपए वाला शेयर था, लेकिन वो प्रीमियम में जा रहा था. द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय जी लिमिटेड टू सेटल द परचेस कंसिडरेशन. परचेस कंसिडरेशन मतलब 7.5 लाख, मतलब खरीदने का जो कंसिडरेशन है, खरीदने से कितना देना पड़ेगा? 7.5 लाख. तो 7.5 लाख रुपए का एसेट खरीदा है, उसके बदले शेयर देना चाहते हैं, बोलो कितना सारा शेयर देना पड़ेगा? कैसे कैलकुलेट? 6,000 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 125. तो फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू होगा वैल्यू ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस. ठीक है, तो एसेट का वैल्यू कितना है? कितने का एसेट खरीदा है? 7.5 लाख. इशू प्राइस कितना है? इशू प्राइस मतलब क्या होता है? इशू तो पर में भी हो सकता है, प्रीमियम में भी हो सकता है, डिस्काउंट में भी हो सकता है. ये तो फेस वैल्यू होता है. ठीक है, फेस वैल्यू में कुछ भी एड लेस होगा तो वो डिस्काउंट प्रीमियम कहलाएगा, एज इट इज होगा तो वो पर वैल्यू कहलाएगा. तो प्रीमियम में भेज रहे तो इशू प्राइस कितना हो रहा है? 125. अब डिवाइड करो 6,000. तो अगर तुम लोग वहां पर ऐसा दिमाग लगाओगे कि वो 9 लाख था, वो 4 लाख, तब गलत हो सकता है. जब इशू प्राइस जो है वो प्रीमियम या डिस्काउंट वाला होगा तो ये 6,000 आएगा. यानी 6,000 शेयर उनको इशू करना पड़ेगा. देख लो, 6,000 वाला शेयर 125 रुपए करके जाएगा तो कितना आएगा? 7.5 लाख ही आएगा. यस मैम. क्योंकि मार्केट में, ये तो मार्केट वैल्यू है ना, इशू प्राइस मतलब क्या, जिसमें पब्लिक खरीदती है, दैट इज इशू प्राइस. तो मार्केट वैल्यू 125 रुपया चल रहा है, मतलब एक शेयर 125 रुपया, मतलब एक शेयर. ठीक है, तो 1 रुपया मतलब 1/125, और मुझे अगर किसी को 7.5 लाख देना है तो मुझे कितना शेयर देना पड़ेगा? 7.5 लाख डिवाइडेड बाई 125, तो आंसर 6,000 आएगा. बोलो, डिफरेंस समझ में आ गया? वो पर वैल्यू होने से टोटल में से माइनस प्लस करोगे होगा, लेकिन इशू प्राइस यहाँ पर अगर तुम लोग ऐसे कर देते 7.5 लाख, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100, कितना आता आंसर? ये वाला गलत. 7,500. गलत. ठीक है, ये दिया हुआ रहेगा ही रहेगा ऑप्शन में, लेकिन गलत हो जाएगा. तो हमेशा क्या करना है? डिवाइडेड बाय इशू प्राइस. और इशू प्राइस हमारा 3 तरह का हो सकता है, पर वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू, डिस्काउंट वैल्यू. तो इसका ध्यान रखो कि क्वेश्चन में क्या दिया है. जैसे ये वाला क्वेश्चन जो था, मतलब जो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन था, यहाँ पर ये वैल्यू क्या दिया हुआ था? ये वैल्यू दिया हुआ था हमारा पर वैल्यू. ठीक है, और अभी मैंने जो क्वेश्चन दिखाया एमसीक्यू का, वो कौन सा वैल्यू है? वो है प्रीमियम वैल्यू. अगर डिस्काउंटेड होगा तो डिस्काउंट. तो ये चीज ध्यान पे रखना कि इशू वैल्यू 10 या 100 के अलावा कुछ और भी हो सकता है. वो तो क्वेश्चन पढ़ने से तुम लोग समझ जाओगे, क्वेश्चन में गिवन रहेगा, नहीं तो हमें भी पता नहीं चलेगा. तो ये पब्लिक को देना पड़ेगा. अच्छा, इसका और भी थोड़ा सा पार्ट बाकी है, दैट इज बैलेंस शीट बनाना है हमें. ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाएंगे. बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने तुम लोग को पढ़ने के लिए भी बोला था. ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट तुम लोग को. बैलेंस शीट ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड एज एट, ये डेट देना पड़ता है ऐसे. ठीक है, इसमें डेट नहीं है, इसीलिए मैंने डेट नहीं दिया. अगर डेट जैसे कि 31st of March 2021, कुछ भी एक डेट होगा. और जो कंपनी का बैलेंस शीट होता है
सब कोई अपने बुक में देख सकते हो, उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। सभी के बुक बुक में रहेगा ये जो फॉर्मेट है वो एकदम स्टार्टिंग पेज में ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया पर्टिकुलर, ऐसे लिखना पड़ेगा नॉर्मल। बाकी तुम लोग जो पार्टनरशिप करोगे, जिन्होंने किया है या फिर जिनको करना है, वहां पर टी शेप में होगा, या फिर अगर इंडिविजुअल ऐसे ही फाइनल अकाउंट्स करोगे तो वहां पर भी देखोगे टी शेप होगा, बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है, इसका फॉर्मेट अलग होता है, ठीक है। ये सब फॉर्मेट हमें एएस यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है कि ये फॉर्मेट आपको यूज करना है, तो वही हम लोग को यूज करना पड़ेगा। तो ये इसका सबसे पहला हेडिंग क्या आता है? सबसे पहला हेडिंग आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये याद करना है, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा तुम लोग को। सबसे पहले लिखना पड़ता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये मेन हेड है, ठीक है। उसके अंडर जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर, पॉइंट ए शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड। और उसके अंदर ये मेन हेड, सब हेड, और उसके अंदर फिर से सब हेड, इसमें आता है शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस, लेकिन रिजर्व सरप्लस और भी बहुत कुछ आता है, लेकिन यहाँ पर वो सब पॉइंट नहीं है, लेकिन शेयर कैपिटल जरूर है, तो हम लोग वो वाला लिखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट बैलेंस शीट का आ जाएगा एसेट्स। एसेट्स में नॉन करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट में फिक्स्ड एसेट आता है, उसके अंडर आता है टेंजिबल। मतलब जब तुम लोग स्टार्टिंग में अकाउंट्स पढ़ते हो तो ऐसे ही पढ़ते हो ना कि एसेट कितने तरह का होता है, करेंट नॉन करेंट, उसी को एक फॉर्मेट वाइज में लिखा जाता है। तो पहले नॉन करेंट लिखा जाता है, ठीक है। नॉन करेंट के अंदर फिक्स्ड एसेट आता है। फिक्स्ड एसेट दो तरह का होता है, टेंजिबल इनटेंजिबल। ये सब पॉइंट को यहाँ पर प्रेजेंटेशन किया गया है बैलेंस शीट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया टेंजिबल। इनटेंजिबल नहीं लिखेंगे क्योंकि पूरे क्वेश्चन में हमें कोई इनटेंजिबल एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन था दिया हुआ था ही नहीं, तो जो नहीं है वो क्यों नहीं लिखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। करेंट एसेट में यहां पर कैश बैंक ये सब है, ठीक है। तो करेंट एसेट में हमारा आ जाएगा, यहां पर सिर्फ कैश बैंक लिखने से नहीं होता, यहां पर इसका नाम होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इधर हमारा टोटल ऑफ लाइबिलिटीज आ जाएगा और इधर हमारा टोटल ऑफ एसेट आ जाएगा, और हमेशा एसेट एंड लाइबिलिटीज का टोटल जो है वो टैली करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, शेयर कैपिटल कितना होगा उसका हमें डिटेल्स बनाना पड़ेगा। डिटेल्स में क्या लिखना पड़ता है, डिटेल्स में ये देखो ये सब किया हुआ है हम लोग का, ये तुम लोग देख सकते हो, ये चैप्टर ही खत्म होने जा रहा है। ये देखो, जब हम लोगों ने एकदम पहले दिन एक क्वेश्चन किया था ना, तो वहां पर मैंने तुम लोग को दिखाया था कि कैसे हम लोग बैलेंस शीट बना सकते हैं। मतलब ये शेयर कैपिटल का पॉइंट, ये देखो शेयर कैपिटल का डिटेल्स कैसे लिखा जाता है नोट्स टू अकाउंट्स में, ठीक है। तो यही वाला चीज को हम लोगों को प्रेजेंट करना है। तो हमें कैसे याद रखना है, जब भी शेयर कैपिटल का बात आएगा तो कितने तरह का शेयर कैपिटल होता है, ऑथराइज्ड होता है, इशूड होता है, अनइशूड होता है, सब्सक्राइब्ड होता है, पेड अप होता है, तो इतने तरह का शेयर कैपिटल होता है। तो सारे शेयर कैपिटल के बारे में हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो लिखना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर ये बन गया। अब हम यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स बना रहे हैं, जैसे तुम लोग वर्किंग नोट बनाते हो वैसे ही कंपनी अकाउंट्स में नोट्स टू अकाउंट्स बनाया जाता है डिटेल्स के लिए, और डिटेल्स का जो समरी है उसको यहाँ पर लिखा जाता है। तो हम लोग पहले शेयर कैपिटल का डिटेल्स बनाएंगे कि इस कंपनी का शेयर कैपिटल का डिटेल्स क्या क्या है। तो सबसे पहले है कंपनी का शेयर कैसा है, इक्विटी वाला है, ठीक है, प्रेफरेंस भी होता है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है बताओ, सबसे पहले कौन सा कैपिटल आता है, सोचो, ऑथराइज्ड। सबसे पहले कौन सा कैपिटल का बात होता है, ऑथराइज्ड। जब भी हम लोग कंपनी बनाएंगे तो हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल कितना होना चाहिए, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ये लिखना ही पड़ता है। क्या क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ बताया था, क्या कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है बताया था? बिल्कुल बताया था, 90,000 इक्विटी शेयर्स। एंड
एट द रेट ऑफ 10 each. तो बोलो कितना इनका ऑथराइज शेयर कैपिटल था, मल्टीप्लाई करने से 9 lakh आ जाएगा. ठीक है, इसको हमेशा क्लोज कर दो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितना हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल है हम लोग उतना ही शेयर इशू करें. हालांकि यहाँ पर हुआ है ऐसा ही कि सारा शेयर कैपिटल इशू हो गया, लेकिन वो हम लोग बाद में देखेंगे. पहले ये लिख देंगे कि अच्छा मेरा ऑथोरिटी इतना है, हम 9 lakh ही मार्केट से एज ए शेयर एज ए कैपिटल रेज कर सकते हैं. अच्छा, अब उसके बाद कंपनी का कौन सा कैपिटल आना चाहिए. जैसे कंपनी ऑथराइज कैपिटल डिसाइड कर लेती है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास इसका पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लेती है, उसके बाद कंपनी मार्केट में शेयर इशू करना स्टार्ट करती है. तो कंपनी जब शेयर इशू करती है तो कौन सा कैपिटल आता है, इशूड. कौन सा कैपिटल आएगा, इशूड शेयर कैपिटल. ठीक है. अच्छा, कंपनी ने कितना शेयर कैपिटल इशू किया, क्या 90 में 90 पूरा इशू कर दिया. सोचो क्या 90,000 में पूरा 90,000 इशू कर, 50,000 कैसे, पूरा ही तो इशू किया. चाहे वो कैश में करे या काइंड में करे उससे क्या फर्क पड़ता है. देखो एंट्री में तो बना हुआ है 2 equity share capital 4 lakh, 2 equity share capital 5 lakh. तो शेयर इशू करके तो 9 lakh का कैपिटल रेज हुआ ही है. पैसा नहीं आया उसके बदले बिल्डिंग आया, उसमें क्या फर्क बनेगा. बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा, एसेट आया घर पे, तो मतलब कंपनी पे. ठीक है, मेरा पैसा नहीं आया, मेरा एसेट आया, लेकिन मेरा कैपिटल तो रेज हुआ ना, मैंने शेयर तो इशू किया. तो फिर कितना इशूड कैपिटल कितना होगा, 90,000. 90,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each कितना होगा, 9 lakh. अच्छा, इशूड के बाद कौन सा आता है, इशू करने से ही सबको सब्सक्राइब करे ऐसा जरूरी तो नहीं, तो हमें सब्सक्राइब्ड अनसब्सक्राइब्ड देखना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पर फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, जिनसे एसेट खरीदा उन्होंने तो सब्सक्राइब किया ही है, क्योंकि उनसे तो बात ही वैसा हुआ था कि आपको ये सारा शेयर लेना है. पब्लिक को जो इशू किया वो भी पब्लिक ने पूरा का पूरा सब्सक्राइब कर लिया. तो यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. बताओ सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कितना है, कितना है सब्सक्राइब्ड, मतलब जितना शेयर कैपिटल हम लोगों को हम लोगों ने मार्केट में दिया था पूरा का पूरा ही जब कोई ले लेता है, दैट इज सब्सक्राइब. बोलो पूरा का पूरा ही चला गया, 90,000 ही तो चला गया. जिनसे शेयर खरीदे उनको दे दिए जितना देना था, उन्होंने पूरा ले लिया और बचा हुआ भी तो पूरा चला गया. तो सब्सक्राइब कैपिटल कितना होगा, कुछ बचा हुआ थोड़ी ना है, कहाँ बचा हुआ है, कैपिटल ही तो जनरेट हो रखा है 4 lakh और 5 lakh 9 lakh. पूरा का पूरा ही तो सब्सक्राइब हो चुका है, जितना इशू किए थे उतना ही सब्सक्राइब हो गया. तो 90,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each कितना होगा बताओ, 9 lakh. ठीक है, मेरा जितना इशू किया उतना ही सब्सक्राइब, इसको बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब. ठीक है. अच्छा, अब हम लोग कौन सा कैपिटल देख सकते हैं, कॉल्ड अप एंड पेड अप. कॉल्ड अप कितना कॉल्ड अप किया था और कितना पैसा मिला. क्योंकि सब्सक्राइब करने से जरूरी थोड़ी ना है कि पैसा मिल जाएगा. ये देखो ना, अभी एकदम स्टार्टिंग में आज जो क्वेश्चन किए थे, इन्होंने तो शेयर सब्सक्राइब कर रखा है 2000 का, तो क्या सारा पैसा दिया, नहीं दिया ना, सिर्फ 4000 दिया, बाकी पैसा जो है वो नहीं दिया. तो इसको बोलते हैं सब्सक्राइब तो हुआ है 2000 4000 3000, ये इतना शेयर सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन क्या पेड अप है और कितना कॉल्ड अप है वो देखना पड़ेगा. जैसे यहाँ पर 10 का 10 ही कॉल्ड अप है, इस क्वेश्चन में बताओ कॉल्ड अप वैल्यू कितना है, 10 रुपए वाले शेयर का कॉल्ड अप वैल्यू कितना है, क्या 10 ही है या उससे कम ज्यादा है, 10 ही है. ठीक है, और क्या पेड अप भी सारा हो गया है, मतलब किसी ने पैसा नहीं दिया उसके बदले एसेट दिया, पूरा पेड अप हो गया है. तो 90,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each 9 lakh. ठीक है. अच्छा, अब हमें यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा. ये मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था कि हमें, हम लोगों ने अगर कोई एसेट खरीदा है, प्रोमोटर को शेयर दिया है, लॉयर को शेयर दिया है, तो हमें अलग से उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा. तो यहाँ पर बोलो डिस्क्लोज कितने अमाउंट का शेयर के लिए करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर तो लैंड बिल्डिंग का बात है, 40,000 शेयर्स अगर होगा तो 40,000 है ना, तो हम लोग लिखेंगे 4 lakh कैपिटल होगा, नंबर ऑफ शेयर 40,000 आउट ऑफ द एवर 40,000 shares have been allotted as fully paid up shares to Y Limited for purchasing building
लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के लिए दिया है, ठीक है, विदाउट कैश, विदाउट रिसीविंग एनी कैश. हम लोगों ने किसी भी तरह का इसके लिए कैश रिसीव नहीं किया इस शेयर के लिए. तो हम लोगों ने किसी भी तरह का कैश रिसीव नहीं किया है. ऐसा शेयर कितना है? 4 लाख का. ऐसा शेयर कैपिटल है 4 लाख का. तो ये चीज हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है. तो ये अगर तुम लोग सोच रहे हो कि कैसे याद रखें, एक मिनट, याद रखने का देखो ये तो एक प्रोसेस है ना. जब भी हम लोग ये एकदम स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ाया था तभी तो तुम लोग को बोला कि शेयर कैपिटल कितने तरह का होता है. पहले ये डिसाइड करो कि अपना ऑथोरिटी कितने शेयर का रखना चाहते हो, यानी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. उसके बाद हम लोग इशू करना स्टार्ट करेंगे. तो इशूड शेयर कैपिटल अगर मान लो 90,000 में 80,000 इशू करते, 10,000 नहीं करते, तो उस 10,000 को क्या बोला जाता? अगर कंपनी 90,000 में 10,000 नहीं कर रही है, 80,000 इशू कर रही है, बाकी 10,000 बाद में इशू करेगी ऐसा सोच के रख दी है, तो वो 10,000 को क्या बोला जाता है? अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था मैंने, अनइश्यूड कैपिटल. अगर तुम लोग प्रोसेस जो है उसको नहीं याद रखोगे तो फिर ये रटना पड़ेगा और ये रट नहीं सकते हो, रटना पॉसिबल नहीं है. तो प्रोसेस क्या है? पहले ऑथराइज्ड कैपिटल सोचो, फिर इशू करो. अगर पूरा इशू कर दियो तो इशूड शेयर कैपिटल पूरा हो जाएगा. अगर थोड़ा बहुत रखा हुआ है तो अनइश्यूड शेयर कैपिटल लिख देना. तो ऑथराइज्ड कैपिटल का दो पार्ट होगा, एक इशूड एक अनइश्यूड, ठीक है. अब जो इशू होगा उसमें क्या होगा? जितने इशू किए उतने सब्सक्राइब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. तो सब्सक्रिप्शन कितने तरह का होगा? तीन तरह का, फुल्ली, फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन. तो इशूड कैपिटल का फिर तीन पार्ट हो जाएगा, फुल सब्सक्राइब पार्ट, क्या बोलते हैं उसे, अंडर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब, ठीक है. अब सब्सक्राइब होने से ही सब कोई पैसा देगा ऐसा जरूरी नहीं है, या फिर कंपनी जितना पैसा एक शेयर पे मांगना है पूरा मांगेगी ये भी जरूरी नहीं है. तो जितना मांगेगी उससे जो कैपिटल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल, और जितना नहीं मांगेगी उसको बोलेंगे अनकॉल्ड कैपिटल. अब कॉल करने से पूरा पैसा मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, जो पैसा मिल जाता है पेड अप, जो नहीं मिलता है अनपेड. तो यहाँ पर अनपेड, अनइश्यूड, अनसब्सक्राइब कुछ भी नहीं था, तभी हम लोगों ने नहीं लिखा. क्या तुम लोग को प्रोसेस समझ में आया? ये देखो हम यहाँ पर चार्ट बना देते हैं. क्या करना है? सबसे पहले तुम लोग को ढूंढना चाहिए कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल कितना रखोगे अपने कंपनी का. जैसे ही सोच लिया उसके बाद दो पार्ट हो सकता है इसका, इशूड कैपिटल जितना इशू कर दिया. अगर कुछ अनइश्यूड रखा है बाद में इशू करोगे तो अनइश्यूड, अनइश्यूड कैपिटल होगा, ठीक है. अच्छा, जो इशू कर दिया है कैपिटल उसमें कुछ सब्सक्राइब्ड हो जाएगा, और अगर कुछ सब्सक्राइब्ड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? सब्सक्राइब्ड और नॉट सब्सक्राइब्ड. तो सब्सक्राइब्ड का तीन पोर्शन हो सकता है, क्या क्या? फुल, फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ओवर सब्सक्राइब्ड और अंडर सब्सक्राइब्ड. ये सिचुएशन हो सकता है. अब जैसे ही सब्सक्रिप्शन हो गया उसके बाद का क्या पॉइंट होगा? उसके बाद कंपनी कॉल्ड अप करना स्टार्ट करेगी. सब्सक्राइब्ड होने के बाद, चाहे ये तीनों में से कोई भी कंडीशन अराइज क्यों ना हो, सब्सक्राइब्ड के बाद वाला सिचुएशन क्या आएगा? ये वाला, इसके बाद वाला सिचुएशन, ठीक है. कंपनी अपना कॉल्ड अप करेगी, ठीक है, कॉल्ड अप. अब कॉल्ड अप फुल्ली भी हो सकता है, पार्टली भी हो सकता है. कॉल्ड अप दो तरह का हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर दिखाते हैं. कॉल्ड अप हो सकता है दो तरह का, फुल्ली मतलब 10 का 10 ही मांग ली, पार्टली 10 में सिर्फ 8 मांग रही है पार्टली. तो जो पार्टली फुल्ली हो सकता है, पार्टली हो सकता है. तो अगर फुल्ली होगा तो अनकॉल्ड कुछ नहीं होगा, फुल्ली अगर होगा तो अनकॉल्ड कुछ नहीं होगा, और अगर पार्टली होगा तो उस केस में अनकॉल्ड होगा. ये देखो अगर फुल्ली कॉल्ड अप है तो यहां पर अनकॉल्ड कुछ भी रेज नहीं होगा, अगर पार्टली है तो अनकॉल्ड कैपिटल बनेगा जितना कॉल्ड अप नहीं किया हुआ है. अगर पार्टली कॉल्ड अप है तो अनकॉल्ड कैपिटल बनेगा. कॉल्ड अप होने के बाद कंपनी देखेगी कि कौन कौन पे कर रहा है, तो जो पे कर रहा है उनके लिए हो जाएगा पेड अप, और जिन्होंने पे नहीं किया उनका हो जाएगा अनपेड. बताओ सिस्टम समझ में आया? इसी सिस्टम में हमें लिखना है, तो मैंने ये वाला देखो बना दिया. क्या सिस्टम समझ में आया कैसे तुम लोग को लिखना है? अरे बोलो कुछ तो बोलो, या फिर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इस तरह से लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पर बताओ कितना कैपिटल लिखे, कैपिटल कितना बना है, शेयर कैपिटल कितना लिखना चाहिए? कंपनी ने शेयर इशू करके कितना कैपिटल रेज किया है, कितना होगा? 9 लाख. 9 लाख
ये देखो ना यहाँ पर तो लिखा हुआ है, ऑथराइज थोड़ी ना लिखते हैं हम लोग, कौन सा लिखते हैं, कौन सा कैपिटल लिखना पड़ता है, कॉल्ड अप एंड पेड अप, पेड अप कैपिटल लिखना पड़ता है ना, तो यहाँ कॉल्ड अप जितना था उतना ही पेड अप था, तो इसलिए एक साथ लिख दिया, ये लिखना पड़ता है हमेशा, ठीक है। सब्सक्राइब जितना हुआ उतना ही पेड अप होगा, वो जरूरी नहीं होता है, तो 9 लाख मेरा कॉल्ड अप एंड पेड अप है, तो हम लोग कॉल्ड अप पेड अप कैपिटल लिख दिया। और एक तरह से भी कर सकते हो तुम लोग, लेजर देख के भी कर सकते हो, कैपिटल कितना बना है, 4 लाख और 5 लाख कितना हो जाएगा, 9 लाख, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर फिक्स्ड एसेट बताओ, एसेट कितने का हम लोग के पास आया, एसेट कितने का, 4 लाख। ये देखो लैंड एंड बिल्डिंग, तो फिक्स्ड एसेट जो है उसका नाम है लैंड एंड बिल्डिंग, और वो आया हुआ है हमारे पास 4 लाख का, ठीक है। तो ये नोट्स हम लोगों ने पहला बनाया, इसको 1 देंगे, सेकेंड नोट्स में 2 लिखेंगे। अब सेकेंड नोट्स क्यों, ये देखो सेकेंड नोट्स इसलिए यहाँ पर लिखते हैं नोट्स 2, क्योंकि फिक्स्ड एसेट में वो जो लैंड बिल्डिंग है उसका डिस्क्लोज कहाँ है, उसका तो डिस्क्लोज नहीं है, क्योंकि कंपनी अकाउंट्स का रूल्स ये है कि हम लोग वहां पर लैंड बिल्डिंग नहीं लिख सकते हैं, या बैलेंस शीट में ना डायरेक्टली लैंड बिल्डिंग नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ फिक्स्ड एसेट टैंजिबल लिखेंगे। अब टैंजिबल में क्या क्या है, जैसे लैंड बिल्डिंग हो सकता है, फर्नीचर फिक्स्चर हो सकता है, प्लांट मशीनरी हो सकता है, तो जो होगा उसका नाम यहाँ डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो हम लोग ऐसे डिस्क्लोज करेंगे टैंजिबल एसेट्स, और इसके अंदर आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से लैंड बिल्डिंग 4 लाख का है, तो ये तुम लोग ऐसे मत लिखना, तुम लोग पूरा लैंड एंड बिल्डिंग लिखना, जिन लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लैंड बिल्डिंग हो जाएगा 4 लाख। अच्छा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका 3 नंबर नोट्स बना लेते, बोलो कैश कितना मिला, यहाँ से देख के बता सकते, 5 लाख। हाँ ये देखो 5 लाख यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये हम लोगों ने लिख दिया, वाई तो ऑलरेडी ये दोनों अपने अंदर एडजस्ट होके ये कैंसिल हो गया, लैंड बिल्डिंग हम लोगों ने लिख दिया, क्योंकि देखो हमारा जो जर्नल होता है उससे लेजर बनता है, उसी से तो हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर उसी से ट्रेडिंग पेल बैलेंस शीट बनाते हैं, तो यहाँ लेजर से हम बैलेंस शीट देख ही सकते कैसे बनेगा, ठीक है। तो वाई कंपनी क्रेडिट, वाई कंपनी डेबिट, ये तो कैंसिल हो गया, बचा था लैंड बिल्डिंग लिख दिया, कैपिटल लिख दिया, दो जगह पे बचा हुआ है बैंक, बैंक का वैल्यू है 5 लाख, तो हम लोग यहाँ पर 5 लाख लिख देते हैं। अब देखो दोनों साइड ऐड करने पे 9 लाख आता है कि नहीं, 9 लाख, यस मैम, बैलेंस शीट टैली होना चाहिए तभी तो सही बना है। तो अब हम लोग नोट नंबर 3 बना लेते हैं, नोट नंबर 3 में लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश ही आएगा या बैंक ही आएगा, लेकिन फिर भी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमें बता रहा है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है, कैश इन हैंड आ सकता है, कैश एट बैंक आ सकता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ सकता है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब होता है ऐसा शेयर्स जिसको बेच के हमें पैसा मिल सकता है, वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंडर आता है, तो यहाँ पर ऐसे करके डिस्क्लोज करना पड़ेगा। वहां पर डायरेक्टली बैंक बैलेंस विद बैंक नहीं लिख सकते, यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस विथ बैंक। और अगर मान लो कैश होता, बैलेंस कैश बैलेंस इन हैंड अगर ऐसा रहता तो इसके नीचे लिखना पड़ता, फिर ऐड करके हम लोग टोटल वैल्यू लिख देते, ठीक है। जैसे यहाँ पर लैंड बिल्डिंग था, मान लो प्लांट मशीनरी भी होता, यहाँ पर लिख के मान लो प्लांट मशीनरी 2 लाख का है फॉर एग्जाम्पल, तो 2 लाख का है तो ये कितना हो जाएगा, 6 लाख, तो हम लोग वहां पर 6 लाख लिखेंगे, ना कि 4 और 2 का अलग अलग डिटेल्स दिखाएंगे, डिटेल्स हमें नोट्स में ही दिखाना पड़ेगा, ये इसी वजह से इस पैटर्न में बनेगा। तो तुम लोग देखना एक बार अपना जो मैट होगा तुम लोग का, उसमें देखना कि कैसे ये स्ट्रक्चर दे रखा है, एक पेज पूरा स्ट्रक्चर के लिए दे रखा है, तो स्ट्रक्चर को देखना है एक बार। अब यहां से कुछ एमसीक्यूज है, चलो एमसीक्यूज पूछते हैं, कौन बता सकता है, देखो बताओ यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या बोला है, लाइबिलिटी ऑफ ए होल्डर ऑफ शेयर इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय देम। मतलब कोई भी एक शेयर होल्डर है उसका लाइबिलिटी कितना तक रहता है उस कंपनी के लिए, जिस कंपनी का उसने शेयर होल्ड किया है, अगर कंपनी डिसॉल्व हो जाती है तो कंपनी उससे कितना पैसा मांग सकती है, जितना उस शेयर का फेस वैल्यू था उतना मांग सकती है या फिर कुछ और, बताओ। ट्रू मैम, ट्रू। यहाँ पर देखो लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स लिमिटेड टू द फेस वैल्यू होता है कि इशू प्राइस होता है, देखो कहाँ पर था, हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, देखो फॉल्स,
हाँ फॉल्स होगा ना, वो फेस वैल्यू अलग होता है और इश्यू प्राइस अलग होता है, तो कंपनी जितने में इशू की थी कंपनी उससे ज्यादा तो उनसे मांग नहीं सकती है। रुको देख लेते हैं, ये देखो, ये देखो जो मोटा मोटा ऐसे लाइन से है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। द लाइबिलिटी ऑफ द होल्डर ऑफ द शेयर इज लिमिटेड टू द इशू प्राइस ऑफ द शेयर एक्वर्ड बाई देम। इसका लॉजिक भी बता देते हैं। मान लो शेयर का फेस वैल्यू है 100 रुपया, ठीक है, शेयर का फेस वैल्यू है 100 रुपया, लेकिन कंपनी ने इशू किया था 80 रुपए में, ठीक है, कंपनी ने इशू किया था 80 रुपए में, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस में। 100 का शेयर अगर 80 में इशू होगा तो डिस्काउंटेड में होगा कि नहीं होगा, बताओ? यस मैम। तो डिस्काउंट में इशू किया था, ठीक है, 100 का शेयर कंपनी ने 20 रुपए डिस्काउंट में 80 में इशू किया था, तो ये बन गया मेरा कौन सा वैल्यू, फेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू से डिस्काउंट माइनस करके ये क्या वैल्यू हो जाता है, ये होता है इशू प्राइस, जितने में इशू किया गया 80। तो पब्लिक जब खरीद रही है तो एक एक शेयर पे कितना देके खरीद रही है, 100 या 80, बताओ? 80 देके खरीद रही है। अब मान लो कंपनी ने कॉल्ड अप किया, कंपनी ने कॉल्ड अप किया 70 तक, 10 नहीं कॉल्ड अप किया, ठीक है, 70 तक कॉल्ड अप किया, तो अब बताओ कंपनी शेयर होल्डर से मैक्सिमम और कितना पैसा मांग सकती है, लाइबिलिटी 10 रुपया, ठीक है। तो लाइबिलिटी ऑफ ए होल्डर ऑफ शेयर्स इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स एक्वायर्ड बाय देम, यानी 100 रुपए हो जाता है ना फेस वैल्यू, नहीं 100 रुपए के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांग सकती है, जितना इशू किया था उसमें जितना मांगा है, अगर कुछ बचा हुआ है तो वही मांग सकती है। तो ये फॉल्स है, ये सही हो जाता अगर यहाँ पर फेस वैल्यू की जगह क्या लिखा हुआ रहता, इशू प्राइस, है ना, फेस वैल्यू की जगह इशू प्राइस, याद आ गया होगा तुम लोग को, ठीक है, ये चीज हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था। अच्छा नेक्स्ट देखो, ऑथराइज्ड कैपिटल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट एट फेस वैल्यू, क्या ऑथराइज्ड कैपिटल को फेस वैल्यू में रिकॉर्ड किया जाता है, बताओ? ट्रू। ऑथराइज्ड कैपिटल को हमेशा फेस वैल्यू में रिकॉर्ड किया जाता है। ये देखो अभी अभी मैंने यहां पर दिखाया कंपनी में शेयर जो था वो 10 रुपए करके इन्होंने डिवाइड किया, 90,000 शेयर्स टोटल बताया। अब कंपनी चाहे तो इससे ज्यादा या कम में शेयर इशू कर सकती है, अगर ज्यादा में करेगी तो प्रीमियम, कम में करेगी तो डिस्काउंट। तो हमेशा जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो अपना फेस वैल्यू ही बताता है, ठीक है, जो होना चाहिए नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है, ये ट्रू। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स मे वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो प्रेफरेंस शेयर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स में जो मेन फर्क होता है ये कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, ठीक है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर का वोटिंग राइट होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए जब कंपनी डिविडेंड बांटती है तो इक्विटी शेयर को भी बांटती है, जो इक्विटी शेयर होल्डर है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको भी देती है, लेकिन पहले इनको देती है। क्यों? इनके नाम के आगे लिखा हुआ है प्रेफरेंस, ऐसे शेयर होल्डर जिनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं वो रिस्क कम लेते हैं। कैसे वो रिस्क इस तरह से कम लेते हैं, वो कोई अगर प्रेफरेंस शेयर होल्ड कर रहा है तो कंपनी अगर बाय चांस डिसोल्यूशन में जाती, क्योंकि कंपनी अच्छा अच्छा चल रही है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन कंपनी का अगर लॉस हो रहा है या कंपनी बंद हो रही है तो जब पैसा डिस्ट्रीब्यूट का बारी आता है, क्योंकि कोई भी एक बिजनेस होता है तो वो बंद होने जब स्टार्ट होता है तो उसका जो भी क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स मतलब सिर्फ वो नहीं जिनसे हम लोगों ने कुछ परचेस किया है, मतलब जिनको हम लोगों को कुछ पे करना है, जो भी लाइबिलिटीज होता है वो पे ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। तो लाइबिलिटीज जब पे ऑफ होगा तो सबसे पहले आउटसाइडर्स को दे देंगे, आउटसाइडर्स मतलब बाहर वाले, जैसे जिनसे मेटेरियल वगैरह खरीदते थे या फिर कुछ लोन वगैरह ले रखा है, ये सबको देने के बाद बारी आता है शेयर होल्डर लोगों का। तो शेयर होल्डर में पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है, क्योंकि वो प्रेफरेंस जो है वो बियर करते हैं, ठीक है। अब ये प्रेफरेंस बियर करते हैं, इनको पहले पैसा देना पड़ेगा, तो इसमें एक बेनिफिट भी है एक लॉस भी है। बेनिफिट क्या है कि इनका रिस्क कम होता है, क्योंकि प्रेफरेंस को देने के बाद एकदम लास्ट में अगर कुछ बचेगा तभी इक्विटी शेयर को जाता है, क्योंकि ये घर का इंसान है, ठीक है। जैसे मान लो घर पे अचानक से कोई गेस्ट आ गए तो घर वाले बाद में खाते हैं, सबसे लास्ट में खाते हैं, कुछ बचेगा तभी खाएंगे, नहीं तो नहीं, मान लो अगर ऐसा होता है। तो जस्ट वैसा ही बात है कि अगर अचानक से बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है या बंद हो रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले बाहर वाले को देने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग किसको देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर, अगर कुछ बचेगा तभी उनको दे पाएंगे। तो ये रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन इनका रिस्क क्या है, इनका रिस्क हाई लेवल का है, इनका रिस्क कंपेयर टू दिस लो लेवल का है, ठीक है। और इनको क्या मिलता है, डिविडेंड दोनों को मिलता है, ठीक है। लेकिन जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिविडेंड एक्चुअली प्रॉफिट से दिया जाता है, तो पहला हक इनका बनता है, लेकिन इनको फिक्स रेट पे डिविडेंड दिया जाता है,
डिविडेंड का रेट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। मतलब अगर कंपनी जब ये शेयर इशू कर रही थी तभी कंपनी को रेट डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कंपनी जब शेयर इशू कर रही थी तभी बता दिया है कि हम लोग 10% डिविडेंड देंगे प्रेफरेंस वाले को, तो इनको किसी भी हालत में 10% ही मिलेगा, चाहे कंपनी प्रॉफिट में जाए चाहे कंपनी लॉस में जाए। कंपनी लॉस में जाएगी तो 10 का 8 करेगी, नहीं चलेगा। कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो ये हल्ला मचाएंगे कि मुझे 12% दे दो 14% दे दो, नहीं चलेगा। तो इनका जो गेन का जो सिस्टम है वो फिक्स्ड है, ठीक है, मतलब वो एक जगह पे स्थिर है, ना तो वो कमेगा ना तो वो बढ़ेगा। लेकिन इक्विटी शेयर का क्या है, अगर कंपनी का हालत बहुत ही खराब है तो इनको कुछ नहीं मिलेगा, अगर कंपनी का हालत बहुत अच्छा है तो इनको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अगर बहुत अच्छा कमा रही है तो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि फिक्स रेट तो है नहीं, जो बच जाता है वो अपने अंदर बांट लेते हैं, तो ज्यादा बचेगा तो ज्यादा बांटेंगे, कम बचेगा तो कम बांटेंगे। तो रिस्क ज्यादा बेयर करने से इनका प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और रिस्क कम बेयर कर रहे हैं तो प्रॉफिट, ये तो लाइफ में भी होता है, तुम लोग जितना रिस्क लोगे। जैसे देखो कोई अगर प्रोफेशनल कोर्स वगैरह जो जो भी कर रहा है, चाहे सीए हो सीएसओ सीएमओ, इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है क्योंकि पासिंग परसेंटेज कम होता है, तो रिस्क जो जितना लेगा उसका आगे जाके बेनिफिट उतना होगा, ठीक है। तो नॉर्मल बीकॉम के अलावा अगर तुम लोग ये सब भी कुछ करोगे तो तुम लोग को और भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बीकॉम का एक अपना एडवांटेज है, लेकिन ये सब क्योंकि और भी एड ऑन है पढ़ाई में, तो इससे तुम लोग को और भी बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे कोई 12th तक ही पढ़ा है, कोई कॉलेज भी पढ़ रहा है, उसी तरह से तो रिस्क जितना लोगे उतना तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर का वही हो जाता है। अब मेरा क्वेश्चन में आते हैं, देखो आई होप कि मेरा क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल जाएगा। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स में वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर, क्या ये सही बात है? क्या प्रेफरेंस शेयर का रेट वेरी करेगा? क्या होगा बोला आंसर फिर? फॉल्स, ठीक है, अभी तो समझाया मैंने। एक कंपनी में इशू शेयर एट डिस्काउंट टू द पब्लिक इन जनरल, क्या कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू कर सकती है? क्या कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू कर सकती है? तुम लोग को याद है कि नहीं, मुझे नहीं पता, हम दिखाते हैं। देखो कंपनी नहीं, कभी नहीं, कंपनी कभी भी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती। ये क्या हो गया, ये देखो हम दिखाते हैं, ट्रू कैसे होगा, डिस्काउंटेड शेयर में था ये वाला पॉइंट। आज के डेट पे कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकती है, प्रीमियम इसके बाद ही था डिस्काउंट। ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा डिस्काउंट कहां पर है भाई? प्रीमियम के पहले था फिर डिस्काउंट, एक मिनट कहां गया? डिस्काउंट कहाँ पर था, कहीं तो था, कहाँ चला गया? टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, या फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, यहीं पर तो काम मिल नहीं रहा है। ओवर सब्सक्रिप्शन लाइन नहीं दिखाएंगे तो तुम लोग को याद नहीं आएगा कि क्यों हम बोल रहे हैं। शेयर्स इश्यूड एट डिस्काउंट, चलो आ गया। ये देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ए कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। याद है स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है? स्वेट मतलब मैंने बोला था पसीना, जो इंप्लॉई अपने बिजनेस मतलब जहां पर काम कर रहा है वहां पर इतना खून पसीना बहाते हैं तो उनको डिस्काउंट पे शेयर दे देती है कंपनी। मान लो मार्केट में वो शेयर अच्छा खासा चल रहा है, मान लो वो शेयर चल रहा है 200 रुपए का, तो कंपनी बोल रही है ठीक है आप इसको 150 रुपए में हम आपको दे देते हैं, ठीक है, कंसेशनल रेट में दिया जाता है, लेकिन किसको, इंप्लॉयड और डायरेक्टर को। तो तुम लोग को क्वेश्चन में डिस्काउंट मिल जाएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में कंपनी पब्लिक को डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकती है। दस एनी इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट शैल बी वॉइड, वॉइड माना जाता है। सिर्फ किसको इशू कर सकती है? अपने इंप्लॉय और डायरेक्टर को, और अपने इंप्लॉय और डायरेक्टर को जब कंसेशनल यानी नॉर्मल से कम में दिया जाता है उसको बोला जाता है स्वेट इक्विटी शेयर, उस तरह के शेयर को। आई होप कि याद आ गया होगा ये लाइन, मैंने तुम लोग को ये सारा ही पढ़ के सुनाया है, ठीक है, लेकिन प्रोविजंस है तो तुम लोग को याद रखना चाहिए। सबसे बेस्ट क्या होता है ना, जब हम ऐसा इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ाते हैं कि ये याद रखना है, तब तुम लोग को तुरंत क्या कर लेना चाहिए,
या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो, या फिर उसको क्रॉप करके उसका पीडीएफ बना लो, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये सारा पॉइंट ऐसे याद नहीं रहेगा, प्रोविजन है ना, कैसे याद रहेगा। तो या फिर नोट डाउन करो जब हम बोल रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये देखो तो आंसर क्या होगा, ट्रू की फॉल्स? चलो आंसर बताओ, आंसर क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स नहीं कर सकती है, वॉइड होता है, पब्लिक को नहीं कर सकती है। अगर यहाँ पर दिया हुआ रहता कि इम्प्लॉय और अपने क्या दिया हुआ था, इम्प्लॉय, ठीक है, इम्प्लॉय लोगों को, तो फिर हो जाएगा। अच्छा आप देखो, स्वेट इक्विटी आ गया। स्वेट इक्विटी शेयर्स आर दोस शेयर्स दोस व्हिच आर इशूड टू इम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर्स एट ए डिस्काउंट। बोलो ट्रू की फॉल्स? अभी तो इसको भी पढ़ा दिया, अभी जो लाइन में हम लोग गए थे वहां पर। ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा एज पर टेबल एफ, ये लास्ट दिन ही क्या था, टेबल एफ क्या था? अगर कॉलसिन एरियर होता है और कॉलसिन एडवांस होता है तो इंटरेस्ट का जो लेन देन है उसके लिए उसका रेट कौन सा टेबल बताता है कंपनीज एक्ट के अंदर? टेबल इंटरेस्ट इन एरियर पे देगा 10 और एडवांस पे 12। कंपनी एडवांस पे 12 देता है और इंटरेस्ट जब लेता है कॉलसिन एरियर पे तो 10% लेता है। अब देखो सही बोला है कि नहीं, टेबल एफ ये तो सही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉलसिन एरियर, कॉलसिन एरियर पे 12%, क्या ये सही है? फॉल्स। फॉल्स। कॉलसिन एरियर पे कंपनी कम लेती है, कंपनी लेने के टाइम कम लेती है बल्कि देने के टाइम ज्यादा देती है। तो कॉलसिन एरियर पे कितना लेती है, ये 10% होने से ट्रू होता, ठीक है। इस पे हम लोगों ने लास्ट दिन क्वेश्चन भी किया था। चलो नेक्स्ट बताओ, सेवेंथ नंबर, एज पर टेबल एफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉलसिन एडवांस, कॉलसिन एडवांस पे कंपनी 10% इंटरेस्ट देती है, 10% या 12%? बोलो ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। ये देखो ना लास्ट दिन ही तो क्या था, ये तो भूलना नहीं चाहिए, वो थोड़ा सा पहले का बात था मान लेते हैं, ये तो भूलना नहीं चाहिए। अभी हम दिखा देते हैं, ये रीइशू में आ गए। यहाँ पर मैंने पूरा टेबल को पढ़ाया था, दो डिफरेंस दिया हुआ था, ये देखो इसमें उल्टा यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ ये देखो, और मैंने बोला भी था कैसे याद रखना है, जब कंपनी पब्लिक को इंटरेस्ट देती है तो ज्यादा देती है, क्यों ये भी बोला था, ताकि लोग मोटिवेट हो एडवांस देने के लिए। लोगों को ऐसे लगेगा मेरे पास पैसा है, ठीक है, कंपनी को एडवांस कर देते हैं, मुझे 2% रिटर्न के साथ, 2% मुझे, सॉरी 10-12% कंपनी मुझे इंटरेस्ट देगी उस पैसे का, ठीक है। और जहां पर अगर कॉलसिन एरियर करते हैं तो कंपनी उतना प्रेशर नहीं क्रिएट करती, वो 10% ही लेती है, ठीक है। तो कंपनी इस वजह से जब इंटरेस्ट ले रही है तो कम लेती है, जब इंटरेस्ट देती है तो ज्यादा देती है। तो देने का मतलब कॉलसिन एडवांस पे, इसका तो हम लोगों ने लास्ट दिन ही पूरा डिटेल्स पढ़ा था, जस्ट वन वीक पहले, लास्ट सैटरडे तो ये वाला किया था। इसके पहले का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा पुराना था तो मैंने डिटेल्स में फिर से बताया। चलो नेक्स्ट, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स एंजॉय वोटिंग राइट्स, ये मैंने नहीं पढ़ा है तो अभी बता देते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब क्या होता है, तुम लोग कंपनी लॉ पढ़ रहे हो तो वहां पर मिल जाएगा तुम लोगों को, क्योंकि वो कंपनी लॉ में कवर हो जाता है, इसलिए मैंने अलग से नहीं करवाया। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और ये देखो नॉन पार्टिसिपेटिंग, ए शेयर ऑन विच ओनली ए फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड इज पेड एवरी ईयर विदाउट एनी अकॉम्पनिंग एडिशनल राइट्स इन प्रॉफिट्स एंड इन सरप्लस ऑन वाइंडिंग अप इज कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। वैसे ये तो सारे प्रेफरेंस शेयर का ही फीचर्स बता दिया। ऐसा एक शेयर जिसपे एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाएगा हर साल, किसी भी तरह का उसमें कोई एडिशनल प्रॉफिट नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है, चाहे कंपनी बंद हो रही हो चाहे कुछ और हो, इज कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ऐसे शेयर्स को, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड द प्रेफरेंस शेयर्स आर जनरली नॉन पार्टिसिपेटिंग। नॉर्मली सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर्स ही नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं, इनका पार्टिसिपेट करने का कोई भी मौका नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने बोला ना, ये सारे जनरल नेचर ही बता दिया कि फिक्स रेट होगा, किसी भी तरह से इनका प्रॉफिट ना तो बढ़ेगा, मतलब परसेंटेज ऑफ डिविडेंड ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, इसीलिए बोल रहा है जनरली सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर ही नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं, इनका पार्टिसिपेशन का कोई भी मौका नहीं मिलता है, क्योंकि रिस्क कम लेंगे तो ज्यादा बोलो मत चुप रहो, अगर रिस्क ज्यादा नहीं लेना है तो तुम अपना डिसीजन नहीं दे सकते हो, ठीक है। तुमने पैसा दिया है तुम्हें उसका जो रिटर्न है वो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा डिसीजन पे कोई भी हक नहीं है, तुम डिसीजन वगैरह कुछ नहीं दे सकते हो। ये नहीं बोल सकते मुझे प्रॉफिट ज्यादा दो कम दो, नहीं बोल सकते हो, रिस्क कहाँ ले रहे हो, ऊपर से कंपनी बंद होगा तो पहले पैसा मांगने आ जाओगे तो कैसे चलेगा,
नहीं चलेगा ना, रिस्क कम ले रहे हो तो बेनिफिट भी कम मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन बोला था कि ये देखो, नॉन पार्टिसिपेटिंग मैंने पढ़ा दिया कि नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होगा, फिर भी यहाँ पर जो पॉइंट है उसके साथ नहीं जा रहा है, लेकिन तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के बोल ही सकते हो। ये देखो जैसे बोल रहा है नॉन पार्टिसिपेटिंग फॉल्स होगा। वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स मतलब कंपनी में जब कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसमें वोट किया जाता है, ठीक है, वोट इन फेवर। और एक क्या होता है बोलो, तुम लोग को पता होगा, कंपनी लॉ में पढ़े होगे, वोट इन फेवर और वोट इन वोट एंड वोट ऑन अगेंस्ट, है ना, दो तरह का होता है। तो फेवरेबल ज्यादा होगा तो वो डिसीजन लिया जाएगा, अगर फेवरेबल कम होगा तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। मान लो डायरेक्टर सोच रहा है इक्विटी शेयर होल्डर को 12% इस बार डिविडेंड देंगे, क्योंकि उनका तो वेरी करता है ना। तो अगर कंपनी में मान लो 5 लोग हैं, 3 लोगों ने हाँ कर दिया और 2 लोगों ने ना कर दिया, तो भी ये 12% जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने हाँ कर दिया। जैसे वोट होता है ना हमारे यहाँ पर चुनाव में, उसी तरह से जिनको ज्यादा वोट मिलता है उन्हीं का हो जाता है सिलेक्शन, उसी तरह से। तो वोटिंग राइट्स होगा कि नहीं होगा? अब प्रेफरेंस शेयर का कैसे वोटिंग राइट्स होगा, उनका तो राइट्स कुछ है ही नहीं, पैसा दिया है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड लेके जाओ बस। और जब शेयर होल्डर, जब शेयर कैपिटल रिटर्न करना होगा तो रिटर्न कर देंगे, वो भी रिटर्न में होता है, मतलब वो भी लिखित होता है कि कितने साल बाद प्रेफरेंस शेयर का पूरा कैपिटल रिटर्न किया जाएगा। कैपिटल मतलब क्या, मान लो एक प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू है 100 रुपया, तो एक इंसान ने एक कंपनी का प्रेफरेंस शेयर खरीद लिया, तो उसने एक्चुअली कंपनी को 100 रुपया दे दिया, और मान लो 2% डिविडेंड वाला था, तो कंपनी उसे 2% डिविडेंड देते जाती है मान लो पर एनम हर साल, तो 2% डिविडेंड दे रही है, 100 रुपए तो रिटर्न नहीं दे रही है, लेकिन कभी ना कभी तो वो 100 रुपए भी रिटर्न देना पड़ेगा ना। उसी तरह से जैसे बैंक में हम लोग पैसा रखते हैं, इंटरेस्ट मिलता है, तो क्या जो मेन पैसा जमा किए वो भूल जाते हैं, वो तो निकाल लेते हैं ना जब जरूरत होता है, ठीक है, उसी तरह से। तो ये जो है ये फॉल्स होगा। तो उसके बाद देखो 9th नंबर, ए फॉरफिटेड शेयर इज अवेलेबल टू द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। क्या कंपनी एक फॉरफिटेड शेयर को फिर से रीसेल कर सकती है, बताओ? इस पे तो लास्ट दिन स्टार्ट किया था हम लोगों ने, फॉरफिचर एंड री इशू। मैम ट्रू, ट्रू कर सकती है, री इशू कर सकती है ना। मतलब री इशू मतलब क्या, फिर से इशू कर रही है, मतलब शेयर सेल कर रही है। लॉस ऑन री इशू सुड एक्सीड्स द फॉरफिटेड अमाउंट। लॉस ऑन री इशू का जो अमाउंट होगा क्या वो फॉरफिटेड अमाउंट से ज्यादा होगा, ये फॉल्स है। क्यों है ये देखो, यहाँ पर ये पॉइंट भी था, ये पॉइंट भी था, लास्ट दिन भी मैंने ये वाला पॉइंट बताया था। ये देखो ये कहाँ पर आ गया, फॉर फ्यूचर, हाँ ठीक है, री इशू। The shares can be reissued at any price so long as the total amount received for the shares not less than amount earlier on those share. कहाँ पर बताया था? हाँ ये रहा, ये देखो points for consideration. Loss on reissue should not exceed the forfeited amount. ठीक है, तो ये exceed नहीं करना चाहिए था, question में दिया है loss on reissue exceed the forfeited amount, इसीलिए false होगा। लेकिन इसका मतलब समझो क्या बोल रहा है, जैसे इसके लिए मुझे पिछले क्लास का क्वेश्चन लेना पड़ेगा, क्योंकि आज जो फॉरफीचर किया था ना उसमें लॉस नहीं था, प्रॉफिट था। ये देखो ये वाला क्वेश्चन अगर तुम लोग को थोड़ा सा याद है, यहाँ पर देखो लॉस ऑन रीइशू कितना हुआ है 2 रुपया करके, ठीक है, और फॉरफीचर पे अमाउंट कितना मिला था, एक 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 जन का देखो, राम या श्याम किसी का भी, राम का देख लो, राम का शेयर जब फिर से रीइशू हुआ तो उसपे 2 रुपए का लॉस हुआ, मतलब 8 रुपए में रीइशू हुआ होगा, 10 रुपए का शेयर था मुझे जितना याद आ रहा है। हाँ ये देखो 10 रुपए का शेयर जो था ये 8 रुपए में, ये देखो 8 रुपए में रीइशू हुआ, इसीलिए 2 रुपए का लॉस था। और जो फॉरफीचर पे पैसा ले रखा था, मतलब राम के पास जो 500 शेयर था, जो फॉरफिट हुआ फिर रीइशू हुआ, जब फॉरफिट हुआ जो पैसा कंपनी रिटर्न नहीं करेगी वो था एक शेयर पे 3 रुपया, शायद एप्लीकेशन का था, राम ने सिर्फ एप्लीकेशन भरा था, ये देखो राम ने सिर्फ ये देखो एप्लीकेशन भरा था 3 रुपए, तो राम ने टोटल 3 रुपए करके 1500 रुपए दिए थे, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पर एक एक शेयर का चेक कर रहे हैं कि राम ने एक शेयर पे 3 रुपया दिया और राम वाला शेयर फिर से रीइशू करने पे 2 रुपए का लॉस हो गया। तो हमारा रूल्स ये बता रहा है लॉस ऑन रीइशू शुड नॉट एक्सीड द फॉरफिटेड अमाउंट। तो ये देखो फॉरफिटेड अमाउंट है 3 रुपया, अब मान लो कंपनी का लॉस हो गया रीइशू करते हुए 4 रुपया, ठीक है 4 रुपया, तो यहाँ पर कुछ सरप्लस जनरेट होगा। मान लो कंपनी 10 रुपए का शेयर जो 8 रुपए में रीइशू कर रही है तो 2 रुपए का लॉस है, मान लो कंपनी 10 रुपए वाला शेयर 6 रुपए में रीइशू कर रही है तो लॉस कितना होगा 4 रुपया। कंपनी मान लो 10 रुपए वाला जो शेयर था राम का वो कंपनी 6 रुपए में रीइशू कर रही है 10 वाला शेयर, तो लॉस कितना है, एक एक शेयर रीइशू करने पे लॉस कितना है, यहाँ पर 4 रुपया, तो लॉस हुआ 4 रुपया और उसी शेयर पे जितना ले रखा है वो है 3 रुपया। तो क्या कुछ सरप्लस बचेगा, मतलब एक ही चीज को 2 बार बेच दिए, पहले बार 3 रुपया लिए थे जिनसे उनको कुछ रिटर्न नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, क्योंकि मेरा लॉस ऊपर से 1 रुपए का लॉस हो गया, ऊपर से 1 रुपए का लॉस हो गया। तो रूल्स ये बोल रहा है जब भी किसी शेयर को रीइशू कर किया जाएगा तो जो उसका फॉरफीचर अमाउंट है वो उससे ज्यादा लॉस में वो रीइशू नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब हमें किसी भी तरह से सरप्लस जो है वो रहना चाहिए, हम लोग किसी भी तरह से लॉस ऑन रीइशू एक्सीड नहीं करवा सकते हैं फॉरफीचर अमाउंट से, ये रूल्स है, ठीक है। तो अगर रीइशू करना चाहते, हाँ फॉल्स होगा, रीइशू करना चाहते हो कर सकते हो, बट एक चीज ध्यान पे रखो, जो इसका मतलब क्या है, राम का शेयर 2 बार सेल हुआ ना, एक बार राम का 500 शेयर राम को सेल हुआ और दूसरे बार राम का ये शेयर जदू बोल के कोई था उसको सेल हुआ, तो एक ही चीज 2 बार बेच रहे। तो राम से जिस चीज पे 3 रुपया ले रखा था और दूसरे जिनको रीसेल कर रहे हैं उनसे भी हम लोगों ने सेम पैसा लिया, ठीक है, लेकिन राम से लेना था 10 रुपया, ठीक है, और इनसे उसी चीज का 8 रुपया लिया, तभी तो 2 रुपये का लॉस हुआ, लेकिन राम से 10 की जगह हमें 3 मिल रखा है, यहाँ पर लॉस 2 रुपए का है, फिर भी 1 रुपए का सरप्लस जनरेट हो रहा है, ये चलेगा। लेकिन हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि इसको इतना कम में रीइशू कर दे जो फॉरफीचर अमाउंट से भी ज्यादा हो जाए, ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये रूल्स है, ये रूल्स है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तो ये स्टार लगा के रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा नेक्स्ट देखो, ये फॉल्स हो जाएगा, ये इसका मतलब फॉल्स हो जाएगा, है ना, 10th नंबर। चलो एमसीक्यू, द एक्सेस प्राइस रिसीव्ड ओवर द पर वैल्यू ऑफ शेयर शुड बी क्रेडिटेड टू, पर वैल्यू ऑफ शेयर से एक्सेस जितना भी लिया जाएगा वो कहाँ क्रेडिट होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, करेक्ट, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट बोला है द सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट मे बी यूटिलाइज्ड बाय ये कंपनी फॉर, ये मैंने पूरा पढ़ाया था, ठीक है, कंपनी कहाँ कहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकती है, राइटिंग ऑफ एनी लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कुछ फिक्स्ड एसेट बेच रही है उसमें लॉस हो गया, उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए यूज करेगी, राइटिंग ऑफ एनी लॉस ऑफ रेवेन्यू नेचर, मतलब मान लो सेल किए थे लॉस हो गया, ठीक है, रेवेन्यू जो डे टू डे का एक्टिविटी होता है, ठीक है, उसमें कुछ लॉस हो गया तो उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, या राइटिंग ऑफ द सी, किसी भी तरह के शेयर को अगर हम लोग डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं तो वो एक लॉस होता है, मेरा शेयर का दाम है 10 रुपया लेकिन हम 8 रुपए में बेचना चाहते हैं, मतलब लॉस में बेचना चाहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, नॉर्मली ये तो हो नहीं सकता है, वो कंपनी अपने, क्योंकि कंपनीज एक्ट बोल रहा है आप डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते हो, ठीक है, फिर भी क्योंकि हमें ये पढ़ाया जाता है तो बोल रहा है कि अगर डिस्काउंट पे या फिर किसी भी तरह का शेयर रिलेटेड एक्सपेंसेस हम लोगों ने किया है शेयर इशू करते हुए, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन कौन सा डिस्काउंट, देखो ये डिवेंचर का, शेयर का नहीं दिया है, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, अगर हम लोग डिवेंचर इशू करेंगे डिस्काउंट पे जो परमिसिबल है, ठीक है, या फिर डिवेंचर इशू करते हुए किसी भी तरह का एक्सपेंसेस वगैरह हुआ है तो उसको राइट ऑफ करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका पॉइंट भी हम दिखा देते हैं तुम लोग को, कहां मिलेगा ये देखो, कहां से पढ़ना पड़ेगा, अच्छा प्रीमियम में मिलेगा ना, यहाँ पर आ गए हम, दिखा देते हैं ताकि तुम लोग पढ़ पाओ, शेयर इशूड एट डिस्काउंट, शेयर इशूड एट प्रीमियम, ये देखो ये मैंने पढ़ाया था, ये देखो ये 5 पॉइंट क्या क्या, टूवर्ड्स इशू ऑफ अनइशूड शेयर ऑफ द कंपनी टू बी इशूड टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज फुल्ली पेड अप बोनस सिक्योरिटीज, ये देखो बोनस शेयर इशू करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं
सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा, क्योंकि बोनस शेयर फ्री शेयर होता है, अगर याद आता है तो देखो मैंने ऐसे बोला था बोनस शेयर मतलब फ्री का शेयर, फ्री का शेयर इशू करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, तो कहाँ से इशू किया जाता है, अपने प्रॉफिट को राइट ऑफ। एक्चुअली बोनस किन को दिया जाता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको खुश करने के लिए बोनस शेयर दिया जाता है, फ्री में शेयर बांटे जाते हैं, ठीक है। तो उसका एक रेशियो होता है, जैसे अगर आप दो शेयर होल्ड कर रहे हैं तो आपको एक बोनस शेयर मिलेगा, दो शेयर आपने अगर कंपनी में पहले से ही दो शेयर खरीद रखे हैं तो आपको फ्री में एक शेयर मिलेगा, ऐसा रेशियोज होता है। ये देखो टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, बिजनेस को कंपनी को एस्टैब्लिश करने के पहले जो भी खर्चा हुआ था उस खर्चे को हम लोग उस प्रॉफिट से जो सिक्योरिटीज प्रीमियम के तौर पे हमारे पास आ रहा है उसको यूज कर सकते हैं। टू राइट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी ऑफ द सिक्योरिटीज और डिवेंचर ऑफ द कंपनी। ये देखो कंपनी का किसी भी तरह का अलग सिक्योरिटीज या डिवेंचर का जो भी डिस्काउंट दिया था, अगर डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू किया था, किसी सिक्योरिटीज पे कोई कमीशन पेड किया था, मतलब अंडरराइटर को कमीशन वगैरह दे रहे हैं, तो ये सब जो है हम लोग इस एक्स्ट्रा पैसे को इस जगह पे यूज कर सकते हैं। और उसके बाद देखो टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस, जो प्रेफरेंस शेयर को फ्यूचर में रिडीम करना है, जैसे मैंने बोला ना 100 रुपए लगाया उस आदमी ने तो वो 2 रुपए करके डिविडेंड लेते जा रहा है हर साल, लेकिन क्या वो अपना 100 रुपए कभी वापस नहीं मांगेगा, मांगेगा लेकिन उसके मर्जी से नहीं होगा, पहले ही एग्रीमेंट बन जाता है कि आपका ये शेयर कैपिटल आपको मिल जाएगा 5 साल या 7 साल बाद, एक सिस्टम रहता है तो जैसा लिखा हुआ रहेगा उसी हिसाब से मिलेगा। तो जब रिडीम होता है उसको रिडीमेबल बोलते हैं, जब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे प्रीमियम के साथ तब हम लोग क्या करते हैं, तब कंपनी अपना वो एक्स्ट्रा पैसा यूज कर सकती है फॉर द परचेज ऑफ ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज, दैट इज बायबैक। मैंने ये भी बोला था बायबैक तुम लोग को इंटर में पढ़ना पड़ेगा, कंपनी अगर मार्केट से खुद का शेयर ही खरीदना चाह रही है तो उसको बोला जाता है बायबैक। कंपनी ऐसा इसीलिए करती है ताकि उसका जो कंट्रोल है वो शेयर पे रहे, ज्यादा पब्लिक के पास शेयर ना चला जाए, अगर ऐसे कंपनी को लगता है कि डाइल्यूटेड हो गया है कंट्रोल तो वो फिर अपना शेयर खुद ही खरीदना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस एंड डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर। अच्छा नेक्स्ट देखो पॉइंट 3, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद डैश एंड द शेयर फॉरफिटर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद डैश। बताओ शेयर फॉरफिट होने से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड किस अमाउंट से होता है, आज ही मैंने यहाँ पर लिखवाया, यहाँ पर कहाँ गया नहीं ये तो पहले दिन का था, ये देखो आज ही लिख पाया अभी थोड़े देर पहले, शेयर कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट से फॉरफिटेड होता है, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कितना अमाउंट लिखना पड़ता है, नंबर ऑफ शेयर्स जितने फॉरफिट हो रहे हैं इनटू क्या होता है कॉल्ड अप कैपिटल। तो ये देखो सिर्फ सम्स करने से नहीं होगा, समझना भी पड़ेगा, ये देखो व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। अच्छा कॉल्ड अप तो दो जगह पे है लेकिन हम लोगों को क्रेडिट भी देखना पड़ेगा, क्रेडिट किससे होता है, क्रेडिट होता है जितना पैसा मिल गया जो वापस नहीं करेंगे उससे, यानी शेयर फॉरफिटर से, या फिर जो अमाउंट पेड नहीं किया उससे क्रेडिट होता है। तो कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफिटेड कॉल्स इन एरियर ऑफ द शेयर फॉरफिटेड, अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर सी, हां अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर्स फॉरफिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी देना पड़ेगा 3 का, ठीक है, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफिटेड, ये दोनों सेम पॉइंट है लेकिन यहाँ पर लिखा है कॉल्स इन एरियर ऑफ द शेयर फॉरफिटेड, तो कॉल्स इन एरियर को हम लोग क्रेडिट जरूर करते हैं लेकिन वो पहले डेबिट हो रखा था उसको क्रेडिट करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है व्हेन द शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ द शेयर फॉरफिटेड एंड द शेयर फॉरफ्यूचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद, शेयर फॉरफ्यूचर अकाउंट जो क्रेडिट होता है उसमें कौन सा अमाउंट लिखते हैं, कॉल्स इन एरियर का थोड़ी ना लिखते हैं, वैसे कॉल्स इन एरियर भी क्रेडिट होता है लेकिन शेयर फॉरफ्यूचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाएगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर्स फॉरफिटेड, फॉरफिट करने पे जितना पैसा मिला उतने से शेयर फॉरफिचर अमाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, नाम तो बता ही दिया है ना अकाउंट का, बस अमाउंट पूछ रहा है कौन सा जाएगा। अच्छा ये बताओ फोर्थ नंबर, टी लिमिटेड प्रोपोज टू इशू 6000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 40%, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी टू बी कलेक्टेड एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से एक था, एक सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से था, दो पॉइंट था, तुम लोग को याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, कि यहाँ पर एक्चुअली बोल रहा है कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इसका मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर देख लो याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, पॉइंट मिलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, हम ऐसे ही बता देते, मुझे यहाँ पर हो जाएगा हमारा
एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए? एप्लीकेशन मनी आई थिंक मुझे जितना याद आ रहा है 5% होना चाहिए, 5%। तो किस पे लगाएंगे, किस पे लगाएंगे? 5% होना चाहिए, ठीक है, 5% होना चाहिए। एप्लीकेशन मनी जो है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से 5% होना चाहिए। किस पे लगाओगे 5%? 5 रुपया, 5 रुपया 100 पे होगा। ये देखो, ये भी दिखा देते हैं, बहुत आगे है तो मिलने में टाइम लग जा रहा है। ये देखो मिल गया, चलो अच्छा बात है, फटाफट मिल गया। एज पर सेक्शन 39 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेशन मनी मस्ट बी एट लीस्ट, मतलब कम से कम कितना होना चाहिए? 5% ऑफ द, कौन सा वैल्यू बोला है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। नॉमिनल वैल्यू मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का 5%। तो बताओ यहाँ पर फेस वैल्यू कितना था क्वेश्चन में? अब रिलेट कर पाओगे? दिखाई दिया मैंने, लिखा हुआ था 100 फेस वैल्यू था 100, 100 का 5% करने पे कितना आता है? 5 रुपया, ठीक है, तो 5 रुपया हो जाएगा। चलो आगे देखो, डिविडेंड आर यूजुअली पेड एज अ परसेंटेज ऑफ, डिविडेंड किस पे दिया जाता है बताओ? डिविडेंड कौन से कैपिटल, किन को दिया जाएगा? सबसे पहला बात है शेयर होल्डर को दिया जाएगा, ठीक है, इक्विटी को भी दे सकते हैं, प्रेफरेंस को भी दे सकते हैं। लेकिन एक शेयर होल्डर है जिन्होंने पूरा पैसा दिया ही नहीं, क्या हम लोग उनको डिविडेंड दे देंगे? डिविडेंड किन को देना चाहिए, कितने पैसे पे देंगे? जितना पैसा उन्होंने दिया है डिविडेंड तो कैपिटल में दिया जाता है, क्योंकि कंपनी, हाँ पेड अप, कंपनी ऐसे देखती है कि इन्होंने पैसा दिया तभी मैंने बिजनेस आगे ग्रो करवाया, ठीक है। कैपिटल मैंने जितना यूज किया हम उतने पे ही डिविडेंड देंगे, जितना कैपिटल मैंने यूज नहीं किया हम उस पे डिविडेंड क्यों दे, नहीं देंगे। तो डिविडेंड आर यूजुअली पेड एज अ परसेंटेज ऑफ, ऑलवेज किस पे होता है? पेड अप, ठीक है, जितना कैपिटल पेड अप है मतलब जिनका कैपिटल यूज किया प्रॉफिट भी उन्हीं को मिलेगा, एकदम लॉजिक है। अच्छा, उसके बाद सेबी के हिसाब से ऑन इशू ऑफ शेयर्स द एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन, एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए? 2.5% ऑफ इशू शेयर, हाँ इसका आधा बोला था, ठीक है, सेबी का नीचे ही लिखा हुआ था उस पॉइंट पे, दिखा देने से अच्छा होता। तो 2.5%, तो 2.5% ऑफ कितना हो जाएगा इशू ऑफ शेयर्स? तो कौन सा पॉइंट होगा? 6th नंबर का बी, अच्छा नहीं यहाँ तो मुझे लग रहा है सी होगा, चलो देख लेते एक बार, मुझे भी याद नहीं आ रहा है सेबी वाला, ये तो 5% याद था, मुझे लग रहा है गलत हो रहा है, सी ऑप्शन होना चाहिए, इन्होंने आंसर तो सी ही कर रखा है, चलो एक बार प्रूफ कर लेते हैं। कहाँ चला गया? तुम लोगों को दिख रहा था एक बार पेज नंबर, ये रहा 5%। अच्छा, सेबी के हिसाब से कंपनी डिसाइडेड अबाउट अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन कंसल्टेशन विद सेबी, ये प्रोसेस इनको करना पड़ेगा। अच्छा, सेबी के हिसाब से 90% इशू कम से कम हो जाने चाहिए, वो एक बताया था, ये पूरा डिटेल्स ही बताया था, ये कितना बोल रहा है 39, ये देखो मिला, ये देखो द मिनिमम एप्लीकेशन मनी टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी सेल नॉट बी लेस देन 25% ऑफ इशू प्राइस, जो इशू प्राइस होगा, मान लो कंपनी इशू करना चाहती है अपना शेयर 8 रुपए में, तो एप्लीकेशन मनी कितना रखना पड़ेगा सेबी के हिसाब से? 8 रुपए का 25% कितना होता है? जितना होता है उतना ही रखना पड़ेगा, 2 रुपया, 2 रुपया। तो कंपनी को इसका जो मतलब बाइफर्केशन होगा ना, कितना एप्लीकेशन में रखे कितना अलॉटमेंट में, तो एप्लीकेशन में कम से कम 25% रखना पड़ेगा। कौन से प्राइस का? यहाँ पर फेस वैल्यू नहीं, यहाँ पर क्या होगा? इशू प्राइस, इशू प्राइस का 25%। तो फिर आंसर कौन सा होगा? देख लो आंसर कौन सा होगा, इशू प्राइस का 25%, तो आंसर कौन सा होगा? सी, सी होगा। अच्छा ठीक है, चलो देख लेते हैं सी होगा कि नहीं।
बहुत ज्यादा चल रही है। हाँ तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, 25% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स। ये तो करवा ही दिया, 6000 आंसर आया था, ये करवा दिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है, तो ये तो तुम लोगों को पता ही, कॉल्स इन एरियर किसे बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस, ये तुम लोग को अपने लैंग्वेज में लिखना है। अच्छा यहाँ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो यहाँ पर बोला है कि एक्स लिमिटेड, देखो ये प्रैक्टिस हो जाएगा, एक्स लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 10 लाख शेयर, 10 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन इनविटेशन मतलब पब्लिक को दिया है, ठीक है, इशू किया है। 10 लाख शेयर्स ऑफ 100 इज पेबल एज फॉलोस, तो एप्लीकेशन में 20, 30, 30, 20 मतलब हो गया 100, 30, 30, 60 और 40, 100। ऑल द शेयर्स वेयर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, सारे के सारे शेयर्स जो है अप्लाइड कर दिए, मतलब पब्लिक ने अप्लाई कर दिया है और सबको अलॉटमेंट मिल गया है, तो क्या कैसा सब्सक्रिप्शन है, फुल अंडर या ओवर, बताओ सब्सक्रिप्शन कैसा हुआ? फुल, फुल सब्सक्रिप्शन, जितना दिया था शेयर्स, जितना मार्केट में इशू किया गया था, सारा का सारा अलॉटेड कर दिया गया, मतलब फुल सब्सक्रिप्शन। ए शेयर होल्डर होल्डिंग 20,000 शेयर्स पेड द होल ऑफ द अमाउंट ड्यू अलोंग विद अलॉटमेंट। एक शेयर होल्डर है जिनके पास 20,000 शेयर्स थे, उन्होंने क्या किया, सारा पैसा दे दिया अलॉटमेंट के साथ, जबकि कब कब देना था, अलॉटमेंट 1 मई को देना था, लेकिन फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल 1 अक्टूबर और 1 फेब को देना था, उन्होंने ये दो पैसा भी यहाँ पर ही दे दिया, तो उन्होंने क्या किया है कंपनी के लिए, कॉल्स इन, क्या बोलते हैं उसे, कॉल्स इन एडवांस किया है, ठीक है। तो उनको क्या मिलेगा, उनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा कि देना पड़ेगा, बताओ, मिलेगा ठीक है, कंपनी से पैसा मिलेगा, एडवांस करने से तो पैसा मिलता है। जनरलाइज द ट्रांजैक्शन अज्यूमिंग ऑल सम्स ड्यू वेयर रिसीव्ड, इंटरेस्ट वाज पेड टू द शेयर होल्डर कंसर्न ऑन 1 फरवरी 2021। बोल रहा है कि सबने पैसा दे दिया ऐसा अज्यूम कर लो, मतलब कुछ भी कॉन्सिनेरिया नहीं है, और जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कंपनी को उस शेयर होल्डर को, वो दिया जाएगा 1 फेब को, ठीक है। तो हम लोग पहले एंट्री कर लेते हैं, सबसे पहले कौन सा एंट्री होगा, ठीक है, हम थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहे हैं, उतना डिटेल्स में नहीं लिख रहे, जिन लोग को लिखना है उन लोग को दिखा देते हैं कैसे लिखना पड़ेगा। वैसे मैंने पहले दिखाया हुआ है, यहाँ पर आंसर्स मिल जाएगा तुम लोग को जिनके पास ये है पीडीएफ है, ठीक है। ये देखो, ये जर्नलाइज इन द बुक, ऐसे जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड लिखना पड़ेगा, यहाँ पर डेट, ये स्ट्रक्चर तुम लोग को बनाना ही पड़ेगा, स्ट्रक्चर फुल्ली बनाना है, हम बिना स्ट्रक्चर के करके दिखा रहे हैं, ठीक है, उसमें टाइम लगेगा तो हम स्ट्रक्चर और नहीं दिखा रहे। तो यहाँ पर 2020 जस्ट ऐसे ही लिख रहे हैं, मे वन को हमें एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, जब एप्लीकेशन का पैसा मिला तभी अलॉटमेंट कर दिया गया ना, तो एप्लीकेशन का पैसा भी मे वन को मिलेगा, तो एंट्री क्या होगा बोलो, एप्लीकेशन का पैसा मिलने से एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू इक्विटी, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, बट तुम लोग मत लिखना, जिन लोग को लिखना है, जिन लोग का एमसीक्यू है उनका ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना मिला होगा, 10 लाख इंटू 20, 10 लाख इंटू 20, तो कितना हो जाएगा, 200 लाख। हम यहाँ पर इन लाख लिख देते हैं, ठीक है, हम लोग जो भी लिख रहे हैं इन लाख में लिखेंगे, तो तुम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा बीइंग, कम से कम इतना तो लिखना ही पड़ेगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और जैसे ही एप्लीकेशन का पैसा मिल गया हम लोग पैसे को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में, तो एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू क्या हो जाएगा बताओ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल कितना पैसा ट्रांसफर होगा, जितना मिला, ठीक है। अच्छा अब 200 लाख, हाँ अब नेक्स्ट क्या होगा, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में पहले ड्यू एंट्री होता है, पहले कंपनी टाइम दे देती है, ठीक है, अलॉटमेंट में पहले ड्यू एंट्री होता है फिर पैसा रिसीव होता है, तो ड्यू एंट्री कैसे होगा, शेयर अलॉटमेंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो अलॉटमेंट में कितना पैसा है, 30, तो 10 लाख इंटू 30, ये देखो नंबर ऑफ शेयर्स तो वही है, 300 लाख, तो कंपनी को लगा था इतना मिल जाएगा, लेकिन कंपनी को इतना मिला या इससे ज्यादा मिला, बताओ कंपनी को इतना ही मिला, इससे ज्यादा मिला, क्यों, क्योंकि एक ने एडवांस दिया था, कॉल्स इन एडवांस दिया, तो जब पैसा रिसीव हुआ तो कंपनी एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट किस चीज का मिला, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट,
लेकिन कंपनी देख रही है मुझे तो इससे ज्यादा मिला, तो जो मिला मुझे ज्यादा अभी टाइम नहीं आया था, तो हम इसका नाम देंगे कॉल्स इन एडवांस और इसको लाइबिलिटी बनाएंगे, ठीक है। तो अलॉटमेंट में कितना पैसा जाएगा? अलॉटमेंट में तो 300 लाख ही देंगे, जो अलॉटमेंट का पैसा है, जो एक्स्ट्रा मिला उसको कॉल्स इन एडवांस लिखेंगे। एक्स्ट्रा किन से मिला? जिनके पास 20,000 शेयर था, तो 20,000 मतलब 20 × k, यानी 1,000 होता है, तो 20,000 शेयर पे कितना एक्स्ट्रा मिला? इन्होंने क्या क्या एक्स्ट्रा दिया? फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, तो टोटल कितना एक्स्ट्रा दिया एक एक शेयर पे? 30 + 20 = 10 लाख, 50 एक्स्ट्रा दिया, 50 रुपए एक शेयर पे, तो 20,000 शेयर पे 1,000 लाख हो रहा है, 10 लाख हो रहा है। अच्छा, एक्चुअली ये 20,000 है, एक्चुअली मेरा कितना आ रहा है 20,000, ये 10 लाख आ रहा है। तो अगर हम लोग सारा डेटा इन लाख में लिख रहे हैं, 10 लाख आ रहा है क्या? 20,000 इंटू 50 रुपया, तो ये 5 × 10, हाँ 1, 2, 3, 4, 5, हाँ 10 लाख आ रहा है। तो हम यहाँ पर 10 लाख लिखते थे, ठीक है, ये 10 लाख हो गया, 10 लाख मिल गया। तो कितना पैसा मिला टोटल? रिसीव कितना हुआ? पैसा तो पैसा, 10,000, 310 लाख, है ना, 310 लाख बोलेंगे इस तरह से लिखने से, 310 लाख रिसीव हुआ, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कौन सा पैसा मिलेगा? फर्स्ट कॉल का, पहले ड्यू होगा ना, फर्स्ट कॉल का पैसा पहले ड्यू होगा 1 अक्टूबर को। तो क्या एंट्री होगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कंपनी तो उतना ही दिखाएगी जितना उनको मिलना चाहिए, पहले उन्होंने दे दिया वो अलग बात है, लेकिन कंपनी तो अपना दिखाएगी, 10 लाख शेयर होल्डर है तो 10 लाख से ही मुझे मिलना चाहिए। तो कितना करके मिलेगा? 30 करके मिलने वाला था, ये ड्यू एंट्री है, ठीक है। कंपनी अपना हिसाब कर रही है कि मुझे 300 लाख मिलेगा, ये कंपनी अपना कैलकुलेशन दिखा रही है, लेकिन जब मिला तो क्या इतना ही मिलेगा या इससे कम मिलेगा, ये बताओ, क्या इतना ही मिलेगा या इससे कम मिलेगा? इसे कम मिलेगा, कम मिलेगा, क्योंकि पहले जिन्होंने दे रखा है वो लोग थोड़ी ना देंगे, तो उनका क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और जो कॉल्स इन एडवांस था वो जितना राइट ऑफ हो जाएगा, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट था, तो जब उसको कैंसिल करेंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। अच्छा, अब जिन्होंने एक्स्ट्रा दिया था वो, उनके पास कितना शेयर था? उनके पास 20,000 शेयर था, उन्होंने 20,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल के लिए कितना ज्यादा दिया है? फर्स्ट कॉल का जितना वैल्यू है 30, ठीक है। यहाँ पर एक एक जगह पे हम लोग उसे कैंसिल करेंगे ना, यहाँ पर 50 तो दो पार्ट में है ना, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, दोनों पैसा दे दिया, लेकिन जब फर्स्ट कॉल का एंट्री होगा तो फर्स्ट कॉल को कैंसिल करेंगे, और जब फाइनल कॉल का एंट्री होगा तो फाइनल कॉल को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर कितना लाख हो जाएगा? 20,000 × ये देख लेते हैं हम करके, 20,000 × 30, तो ये होता है 6 लाख, ठीक है, 6 लाख, हाँ 6 लाख। और यहाँ पर कितना हो गया? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना कैंसिल होगा? 300 लाख, ठीक है, 300 लाख हमें मिल गया, थोड़ा सा कम मिला बिकॉज पहले से मिल रखा था ज्यादा, तो कितना अभी कितना मिला? 294 लाख, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 294 लाख, कॉल्स इन एडवांस 6 लाख, और ये हो गया 300 लाख, अक्टूबर हो गया। अच्छा, उसके बाद कौन सा डेट आया? 1st of Feb, 1st of Feb में फिर से कंपनी क्या करेगी? फाइनल कॉल का एंट्री करेगी, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, पहले ड्यू एंट्री टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल से कितना पैसा बन सकता है? तो 10 लाख × 20, 200 लाख। अब बताओ, जब पैसा रिसीव होगा कि पूरा होगा या थोड़ा कम होगा? थोड़ा कम होगा, हाँ, तो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल जो है उसको हम लोगों को क्लोज करना है, जो कि 200 लाख का था, लेकिन कुछ पैसा जो हमें एडवांस मिल चुका है 20,000 शेयर होल्ड करने वाले एक शेयर होल्डर से, उनसे कितना नहीं मांग सकते? 20 रुपया, तो ये 4 लाख हो जाएगा। तो 200 लाख में 4 लाख पहले ही मिल चुका है, अभी नहीं मिलेगा, तो 196 लाख अभी रिसीव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कम मिल रहा है, पहले मिल चुका है तो अभी नहीं मिलेगा ना। अब इंटरेस्ट का एंट्री करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट का एंट्री बाद में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें फेब में ही इंटरेस्ट का एंट्री करने बोला, तो 1st of Feb में इंटरेस्ट का एंट्री, पहले ड्यू एंट्री,
तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू किसको देना पड़ेगा, शेयर होल्डर, अगर नाम होता तो उनका नाम दे देते क्रेडिटर के तरह, ठीक है। और उसके बाद जब पेमेंट करेंगे तब एंट्री करना पड़ेगा, तो इसमें और एक एंट्री होगा, यहाँ पर दिखा देते हैं, जब पेमेंट करेंगे तो एंट्री हो जाएगा शेयर होल्डर टू बैंक, ये एंट्री हो जाएगा। अब चेक करो कि क्या चेंज कर रहा हूँ, है ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि कितना इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना होता है, जितना पैसा हमें एडवांस मिला है, तो हम लोग दो पार्ट में चेक करेंगे। तो ये बताओ कि इन्होंने दो पैसा एडवांस किया, एक फर्स्ट कॉल का एक फाइनल कॉल का, तो फर्स्ट कॉल में हम लोगों ने कितना ज्यादा पैसा ले रखा है, 6 लाख। हाँ, फर्स्ट कॉल में हम लोगों ने ले रखा है 6 लाख, कैसे, ये देखो 20,000 × 30 जो हम लोगों ने यहाँ पर एडजस्ट किया, ये देखो 6 लाख। अब इन्होंने कितने दिन पहले दे दिया, इनको देना था 1 अक्टूबर को, इन्होंने दे दिया 1 मई को, तो कितने दिन पहले दिया बताओ, देना था 1 अक्टूबर को, दे दिया 1 मई को, तो कितने दिन पहले दिया, डेज में कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइव मंथ पूरा मई महीना, ठीक है, जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर और अक्टूबर का 1 तारीख तो देना ही था, तो वो तो काउंट नहीं करेंगे, पूरा पूरा 5 महीना पहले इन्होंने पैसा दे दिया, तो 5 महीने का इनको इंटरेस्ट हमें कंपनी को देना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल का 6 लाख है और इस पे इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट फ्रॉम 1 मई टू 1 अक्टूबर, दैट इज 5 मंथ। अब इसका कैलकुलेशन करो कितना होगा, 6 लाख इंटू 5/12, ठीक है, 30,000 इंटरेस्ट रेट कितना लगाएंगे, एडवांस पे रेट कितना होता है, टेबल एफ के हिसाब से एडवांस 12% दो ही तो रेट होता है, 10 और 12, कंपनी जब पे करती है ज्यादा पे करती है, ठीक है, 6 लाख इंटू 12% इंटू 5/12, तो ये हो जाएगा 30,000, 30,000 हो गया। और दूसरा जो है, दूसरे कौन से कॉल में ले रखा है एडवांस, फाइनल में कितना ज्यादा पैसा ले रखा है, 6 लाख है ना, 4 लाख, ये देखो यहाँ पर एडजस्ट किया है, तो इंटरेस्ट ऑन क्या नाम है इसका, फाइनल कॉल, इंटरेस्ट ऑन फाइनल कॉल एट द रेट ऑफ 12% फॉर, मैम इसे भी तो मंथ कैलकुलेट होगा, मई से कैलकुलेट होगा फेब तक, है ना, क्योंकि ये पैसा भी तो उन्होंने मई में दे दिया, जबकि देना था फेब में, तो मई जुलाई हाँ अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ 9 मंथ्स पहले दिया है, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा फॉर 9 मंथ्स फ्रॉम 1 मई टू 1 फेब। कैलकुलेट करेंगे तो 36,000 हाँ 4 लाख 9/12 यहाँ से, यहाँ 9 होता है 12%, हाँ ये 12-12 कट हो गया, 9 4 36,000। तो 36,000 हम लोगों को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा शेयर होल्डर को, तो ये ड्यू एंट्री है, अमाउंट ड्यू टू शेयर होल्डर टूवर्ड्स इंटरेस्ट, और जब पे कर देंगे तब शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 36,000, ठीक है, ये पेमेंट कर दिया, तो इस तरह से होगा। मैं कौन नीचे दिखाएगा, मैम 30 और 36 दोनों पे हुआ है ना, तो फिर दोनों ऐड करना पड़ेगा ना, सॉरी हाँ 30 और 36 मैंने गलत कर दिया, कितना हो जाएगा 66,000 66 होगा, हाँ ये टोटल इतना होगा, मैंने सिर्फ एक ही दिखा दिया लास्ट वाला, ये भी ऐड होगा, टोटल इंटरेस्ट तो दोनों मिला के पे करना पड़ेगा,
तो 66,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाएगा, हम लोगों ने बाकी जगह पे इन लाख में लिखा है, तो 60,000 को भी इन लाख में ट्रांसफर करो। कैसे करोगे? 66,000 हाँ डिवाइडेड बाय 1,00,000, तो 0.66 लाख होगा। इसकी जगह तुम लोग को लिखना पड़ेगा 0.66 लाख, ठीक है, अगर इन लाख में करोगे। अगर नहीं करोगे तब ठीक है, तब ये सारा लाख में लिखना पड़ेगा, 300 उसके बाद 50, तब तुम लोग 66,000 लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा दोनों टाइप मत कर देना, गलत माना जाता है, ठीक है। कोई भी एक पैटर्न में हमें करना है, या तो पूरा लिख के करो, और अगर क्वेश्चन को इन लाख में ट्रांसफर करना चाहते हो तो सारा चीज इन लाख में ट्रांसफर करना पड़ेगा। यहाँ पर भी वही हो जाएगा 0.66, 0.66, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है, तुम लोग ऐसे कर दोगे जो मैंने अभी किया तो ये गलत हो जाएगा, लास्ट का 2 पॉइंट इनवैलिड माना जाएगा। अच्छा अब ये देखो, बच्चा पास 2 ही क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2 और 3, ठीक है। तो ये 2 और 3 तुम लोग कर सकते हो, जिसमें ये देखो, ये वाला जो है ये आई थिंक कैश बुक के हिसाब से बोला था, जिसका एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है, जो मेन क्वेश्चन है वहां पर, और ये क्वेश्चन ये कैश बुक वाला दिया हुआ है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुम लोग कोशिश करना, अगर नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट दिन इसको करके फिर डिवेंचर वाले चैप्टर में एंटर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन हम लोग डिवेंचर स्टार्ट करेंगे, लेकिन तुम लोग ये तो कोशिश करना ताकि तुम लोग को गलती समझ में आए जब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे होगा, ठीक है।